ये है लापता एसएमपी और इस एसएमपी को तुम लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे और इस एसएमपी को आज मैं डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, वो भी सिर्फ एक ड्रैगन एग के लिए। लेकिन लापता एसएमपी पहले ऐसी नहीं होती थी, ये एसएमपी पहले बहुत अलग थी। और इस कहानी की शुरुआत होती है करीब 2 साल पहले, जब लापता एसएमपी का सीजन 1 स्टार्ट होता है, जिसमें सिर्फ मैं, दीप वाई और निज गेमर खेलते थे। और एसएमपी में ज्यादा मेंबर ना होने की वजह से मेरा ज्यादातर टाइम बिल्डिंग में जाता था। और पता नहीं बिल्डिंग करते करते लापता एसएमपी का सीजन 1 और 2 कहाँ निकल गए। लोग उसके बाद फिर से ब्रेक, 3 ब्रेक लगेंगे। और मुझे पता है कि तुमको बिल्डिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, इसलिए हम लोग सीजन 3 की तरफ बढ़ते हैं। और सीजन 3 में इंट्रोड्यूस होता है लाइफ स्टील कॉन्सेप्ट। और तुमको पता है लाइफ स्टील का प्लगइन किसने डलवाया था लापता में? अरे मैं बता रहा हूँ, तो मेरी वीडियो है तो मैंने ही डलवाया होगा ना भाई। भाई देख रहे हो, अगर मैंने उस समय लाइफ स्टील का प्लगइन नहीं डलवाया होता तो आज कोई एसएमपी नहीं होती। बहुत फेंक लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही करते करते सीजन 3 को एंड होने में भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा, हमारी टीम ने निज गेमर की टीम को पूरा मारकर हरा दिया। उसके बाद हमने भी अपना एक एक हट किया और लापता एसएमपी के सीजन 3 को एंड कर दिया। लेकिन असली मजा तो अब आने वाला था, क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला था लापता एसएमपी का सीजन 4। ठीक है, तो अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं लापता एसएमपी का सीजन। तो स्टार्ट होता है अब। तो इस तरीके से स्टार्ट होता है लापता एसएमपी का सीजन 4। और स्टार्टिंग में तुम सबको तो पता ही है कि मेरे टीममेट थे पीएचडी भाई, तो उनके साथ मैं चला जाता हूँ माइनिंग पे। ओ पी, इधर काफी ज्यादा आयरन भाई, सब माइन कर लेता हूँ। बूम। तो मैं अपना सामान वापस लेने के बाद स्पॉनर से गोल्डन एप्पल लूटना स्टार्ट कर देता हूँ। व्हाट, इसमें भी नहीं है मेरे पास। चलो 4 गोल्डन एप्पल हो गए। तो अभी इस वाले स्पॉनर का बनाना मुझे एक्सपी फार्म। तो गाइस यहाँ पर अभी पीएचडी मेरे को कहीं तो लेके जा रहे थे और मेरे साथ कुछ गलत ही होता है, आप लोग खुद ही देखो। आ जाओ ऊपर ही दे देता हूँ, ऊपर आ जाओ। लविस भाई वहीं पे क्यों अटके हो आप? हेलो हेलो लविस, लविस लैपिस भाई, मैं डूब रहा हूँ क्या? मर गया। What? सच में? मर गया भाई ग्लिच से मेरे सामने। हाँ, तेरा नेटवर्क के कारण। तो यहाँ पर मैंने अपने 2 हट तो लूज कर दिए थे और एंड बॉर भी बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे, तो इतने कम हट्स पे तो मैं लड़ नहीं सकता था। तो मैंने सोचा क्यों ना ड्रैगन को ही गायब कर दिया जाए। यहाँ पर ड्रैगन को गायब करने के लिए मैं कुछ नहीं करना, साइड में बेड रॉक के एक ब्लॉक लगा रहे और उसके ऊपर चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना है। हमें पहुंचना है पूरा हाइट लिमिट पे, यानी 255 पे। तो फाइनली मैं हाइट लिमिट पर पहुंच चुका हूँ और यहाँ पर वाटर के एक ब्लॉक माइन करके यहाँ पर वाटर प्लेस कर देना है और बस नीचे चले जाना है हमको। तो गाइस वापस हमें नीचे गलत चला गया था, हमें वापस से ऊपर आना है और इस जगह के साइड में ब्लॉक प्लेस करते जाना और ये पानी नहीं फैलना था भाई। हमें चाहिए 4 स्लाइम के ब्लॉक ऐसे करके लगाता हूँ, मैं इधर से तोड़ देता हूँ। मेरे पास 12 थे, 4 ही लगाने वैसे तो। और यहाँ पे लगाने मेरे को एक पिस्टन और इधर भी एक लगानी है पिस्टन, और इधर लगाना है मेरे को एक ऑब्जर्वर, और इधर भी लगाना है मेरे को एक ऑब्जर्वर। और हमारी मशीन एकदम बनकर रेडी है, बस हमें एक ब्लॉक प्लेस कर। अभी नहीं 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 नहीं, गलत जगह गलत जगह चली गई थी भाई, मेरे को इस तरफ भेजना, तो उस वाले ऑब्जर्वर पे मेरे को मशीन पे वो लगाना पड़ेगा। मशीन रेडी है, ये लगा मेरे ऑब्जर्वर और बस इधर लगाने मेरे को ये, और लेट्स गो। ड्रैगन जा रहा है, आई होप से गायब हो। अबे नहीं भाई, मशीन तोड़ दी। व्हाट, मशीन कैसे टूट गई भाई? अरे शिट, वहां पर एंड स्टोन टूटा ही नहीं यार। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद ये ड्रैगन गायब ही नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा भाई छोड़ो, किसको करना है इस ड्रैगन को गायब, इससे अच्छा क्यों ना मैं एंड के स्पॉन पे माइनक्राफ्ट विद टीएनटी लगा के बैठ जाऊं, जैसे ही कोई एंड में आएगा मारा जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास गाइस ज्यादा आयरन तो नहीं है, बट मैं एक माइनक्राफ्ट विद टीएनटी जरूर बना सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ फटाफट से लगाने। ओके डन। तो गाइस यहाँ पर निज गेमर एंड में आ चुके थे, जैसे वो टीएनटी विद माइनक्राफ्ट में नीचे खोलता हूं उतने में निज गेमर यहाँ पर ब्लॉक लगा लेते हैं। और होता है क्या कि यहाँ पर निज गेमर के ऊपर वो टीएनटी विद माइनक्राफ्ट नहीं करते, यहाँ पर सेनपाई भी साथ में आते हैं और सेनपाई के ऊपर वो टीएनटी विद माइनक्राफ्ट करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं उनको मारना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर सीधा फिर सेनपाई मेरे को मारना स्टार्ट करते हैं, सीधे एंटरपोल डालता हूँ और वॉइड में गिर जाता हूँ। वो तो फड़िया में बच जाता है, एंटरपोल मेरे से पहले लैंड पे लैंड कर जाती है और सेनपाई बस मेरे ही पीछे लगे जा रहे थे। तो मेरे पास एक ही चीज थी कि मैंने एंड की तैयारी बिल्कुल भी नहीं की थी, क्योंकि मेरे को सिर्फ ड्रैगन गायब करना था जो कि यहाँ पर काम नहीं की। तो मैं एक पिलर के अंदर शांति से छुप जाता हूँ और मेरा एंड वॉर यहीं पे खत्म। शाबाश, पूरा मामला शांत होने के बाद मैं सोचता हूँ कि भाई मैं एंड सिटी लूटने जाता हूँ, बट उस दिन मैं फ्लाइंग मशीन बनाई रहता हूँ, उधर से एक ऐसा दरिंदा आता है जिससे मैं जान की भीख मांग रहा था, पर फिर भी वो मुझे मार देता है और मेरा सारा सामान वॉइड में गिर जाता है। तो इसके बाद मैं वापस से ग्राइंडिंग करता हूँ, मेहनत करके एक प्यारा सा बेस बनाता हूँ और मुझे पता चलता है कि वो बेस को आरटीओ ने रेड कर दिया। और आरटीओ गेमर प्रो है तो उसे पीवीपी की जगह मुझे माइंड गेम से हराना होगा। तो इसके लिए मैंने बनाया आरटीओ के लिए एक बो एंड एरो का गेम जिसमें वो जरूर हारने वाला है। हेलो आरटीओ भाई। हेलो भाई, आपकी बो स्किल्स
मैंने सुना कि आपकी बहुत ज्यादा बेकार है। बिल्कुल गलत सुना है। तो यहाँ पर आरटीओ के बनाने में थोड़ा तो टाइम लगाएगा, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आरटीओ के जब मेरे पास आए तो इस व्हाइट वाले बॉक्स में खड़ा हो, बट अगर वो व्हाइट वाले बॉक्स में खड़ा नहीं हुआ तो मेरा पूरा का पूरा प्लान फेल हो जाएगा। हे गाइस, हेलो रे, ये तो आरटीओ, हेलो आरटीओ भाई, चलो 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 चलो। हेलो, दिन हो चुका है, सूरज चढ़ चुका है, मैं भी आ चुका हूँ। इधर इधर खड़े, हाँ इधर खड़े रहो, बस इधर ही खड़े रहो। हाँ बस बस बस, चालाकी करने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ूंगा नहीं मैं भाई। जा जा यार, देख लो, चेक कर लो यार, ये लो देख लो भाई, पूरा चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये लो देख लो, पूरा चेक कर लो भाई, खुद चेक कर लो। खुश, अगर आपने सही निशाना लगाया वहाँ मिड में, एकदम मिड में सारी की सारी लाइटें जल गई तो आपको एक डायमंड का ब्लॉक मिलेगा। तो आपके पास है यहाँ पर टोटल चार ऑप्शंस, रेड, येलो, ब्लू और व्हाइट, आप इसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स मैं अगला ही करूंगा, क्योंकि अरे रुको रुको रुको, रुको, रुको आप, और चूज करने से पहले मेरे कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप इन चारों में से कोई भी दो चूज कर रहे हो। दो चूज करने का मेरे को, एक रेड करूंगा, एक येलो करूंगा, ऑफ कोर्स भाई आगे वाले। तो आपने रेड और येलो बोला, तो ओके इनको तोड़ देते हैं। ओके नाइस, तो अभी आपके पास बचे टोटल दो ऑप्शंस, ब्लू और व्हाइट, आप इनमें से कोई भी एक को चूज करो। ओके व्हाइट, तो ये ब्लू कोई जरूरत नहीं, इसको तोड़ देते हैं। हेलो, मुझे ऐसे दग दग हो रहा भाई दिल में, कुछ है तो नहीं। हेलो भाई, कुछ भी आपकी, अरे आपने व्हाइट चूज किया, इसमें क्या है भाई? अरे हाँ, ये तो देखा गाइस, मैंने बोला था भाई कि व्हाइट वाले में ही आरटीओ कुमार खुद अपनी मर्जी से चूज करके खड़े होंगे। ये मैंने कैसे किया ये जानने के लिए हमको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। हेलो पीएसटी भाई, किधर हो? चलो जहाँ पर भी क्या फर्क पड़ता है। हाँ सुनो, मेरे को एक चीज पूछनी थी ये तो रे। हाँ सुनो सुनो सुनो, मेरे को ना ऐसे आरटीओ को ट्रैप करना है, तो जो आपने वो प्लान बताया था माइनक्राफ्ट वाला, उसके लिए उसे थोड़े टाइम तक ऐसे एक जगह पे रखना पड़ेगा। अगर मैंने उसको उसको कहा कि भाई ऐसे रुखा रहे, तो उसको समझ जाएगा कि कुछ ना कुछ ट्रैप है, तो उसको मैं चाहता हूँ कि वो अपनी मर्जी से एक जगह पर रुखा रहे, तो क्या करूँगा? मेरे पास इसी के लिए एक मस्त ट्रिक है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। आप म्यूट हो जाओ, मैं ऑडियंस के साथ थोड़ी बात करना चाहता हूँ। ओके गाइस, अब देखना मैं लैपिस से कैसे चूज करवाऊंगा ये वाला ब्लॉक। फॉर एग्जांपल चलो, इस ब्लॉक के अंदर टीएनटी है, इस वाले ब्लॉक के अंदर टीएनटी है, तो हम चूज करवाएंगे लैपिस से कि कैसे होता है, ये वाला ब्लॉक ही चूज करवाएंगे, इवन दो लैपिस चूज करेगा। ओके लैपिस भाई सुनो, चलो ये आपकी मर्जी है, आप कोई भी ब्लॉक चूज, कोई भी ब्लॉक पे खड़े हो सकते हो, ठीक है। इनमें से दो ब्लॉक चूज करो पहले, तो कोई भी दो, डायमंड और स्लाइम। डायमंड और स्लाइम चलो आपने चूज किया, तो मैं डायमंड, अबे सर को यार, डायमंड और स्लाइम तोड़ दिया। ओके ये दोनों चले गए, अभी इनमें से कोई भी एक ब्लॉक चूज करो। नेदराइट आपने नेदराइट चूज किया, तो मैं ये तोड़ दूंगा। ओके देखा ना गाइस, मैंने यही बोला था कि इसके नीचे टीएनटी रहेगा, बहुत यही था क्या गाइस? पीएचडी भाई की ये ट्रिक बहुत अच्छी थी, और इसी का यूज करके हम आरटीओ को मारने वाले थे। इस पे खड़े होकर निशाना लगाना क्या? यस लोल ब्रो, लगाई नहीं। यहाँ पर पीएचडी भाई ने करू क्वेश्चन मार्क, और मैंने हाँ क्यों लिखा था। यहाँ पर था एक ट्रैप जो कि अंडरग्राउंड नहीं हाइट लिमिट पर था, और एक प्लेयर कभी भी हाइट लिमिट को उतना गौर से नहीं देखता है, वहाँ पर सिर्फ एक डॉट दिखता है, उसे कौन ही नोटिस करेगा। और वहाँ पर पीएचडी भाई माइनक्राफ्ट में टीएनटी के साथ बैठे थे, हमने माइनक्राफ्ट में टीएनटी ही क्यों गिराया, क्योंकि माइनक्राफ्ट में टीएनटी से होता है आर्मर बहुत ज्यादा डैमेज, और बस मैं वही चाहता था कि आरटीओ गेमर का आर्मर डैमेज हो जिससे मैं पहले तोड़ दूं, जिससे मैं आरटीओ गेमर को मार सकूं। बस पीएचडी भाई माइनक्राफ्ट रखते हैं और गिराना स्टार्ट कर देते हैं। ओके दो चांस हो गए, आपके पास पांच चांस है, अभी एक दिन लगा। अरे दोबारा जाके करो यार, शुरू से बताओ कितने चांस है, मजा ही नहीं आ रहा। ओके ओएमजी ब्रो, वाह, अरे भाई व्हाट इज दिस मिस्टर लैपिस, ओ माय गॉड, क्या हुआ, काम किया क्या? यस काम किया, बिल्कुल काम किया। अरे नहीं, और यहाँ पर मेरे से पीएसआई बोलते हैं हेल्प के लिए, और मैं उनसे साफ साफ मना कर देता, क्योंकि ये चड्डी गैंग का मिशन नहीं, ये मेरा खुद का एक पर्सनल मिशन था, और इसीलिए मेरे पास जो चार हट एक्स्ट्रा थे वो भी मैंने यूज नहीं करे थे, क्योंकि वो भी चड्डी गैंग के हट्स थे, और मैं सिर्फ अपने बलबूते पे आरटीओ गेमर को मारना चाहता था। कुछ नहीं, मजे लो, आप बस मजे लो, इधर मजे लो, आरटीओ भाई भागो मत यार ऐसे। अब रहो गाइस, पूरा सीन मस्त है, मजा आ रहा है मेरे को। आपको मजा आ रही है जी भाई, आपको थोड़ा मजा दूं क्या? मुझे कुछ नहीं करना है भाई, मैं तो देख रहा हूँ, मैंने तो पंगे भी नहीं लिया आपसे यार, फाइट हो रही है, इज्जतदार फाइट करो गाइस, इफ यू नीड हेल्प लेट मी नो। नहीं नहीं, ये सब चिंता का मुरने वाला है गाइस, कांग्रेचुलेशन गाइस, प्रो सीन मजे लो। अरे व्हाट, ये क्या था भाई, अरे भाई शिट, लैपिस भाई ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो, मेरे को दिक्कत नहीं है। देखो मैं अकेले ही मार रहा हूँ, देखो मेरे पीस जाएगा सारा, बिल्कुल नहीं दिया, ये सिर्फ हमारा वॉर था। आपने आपने यस यस यस, लैपिस भाई पहलो भाई, आपका शॉट है
लेट्स गो आरटीवाई कैसी लगी? ये करने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई लापता एसएमपी तो मेरे लिए बहुत इजी है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सर्वाइव करूंगा एक हार्ट पर। पीएसटी भाई, यस टैपिस भाई, तो वो घड़ी आ चुकी है जब मुझे वन हार्ट पर जाना है। ठीक है, लाओ अपने हार्ट लाओ। आपको नहीं दूंगा भाई, आप चोर हो। मुझे ये नहीं दोगे तो मैं क्या भाई, मेरे को पता होना चाहिए ना आपने सही में निकाले। मैं निकाल रहा हूँ, आप मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में निकाल रहा हूँ, चिंता मत करो आप। चलो चलो निकालो, दिखाओ मेरे को। तो मैं निकालने जा रहा हूँ अपने 11। लेपिस भाई गलती से भी मर गए ना? नहीं मत करो यार भाई, नहीं प्लीज नहीं भाई, मतलब सॉरी। हार्ट लो। तो आपके पास अभी यहाँ पर 3 चांस है मेरे को बैन करने के। ओ, एक चांस तो मैं ले लूँ क्या? नहीं अरे ऐसे नहीं, बस आप कर नहीं सकते मेरे को, आप मेरे को ऐसे काम दे सकते जिससे मेरे को बैन होना पड़े। आपको हाँ एक ज़ॉम्बी से फाइट करनी है विदाउट टोटम? कोई दिक्कत नहीं, कर लूंगा, मार दूंगा शॉट से। विदाउट आर्मर? चलो टूल्स से भी तो 2 शॉट मार दूंगा, दिक्कत नहीं। विदाउट टूल्स? हेलो भाई, मैं एक हट पर बंदा 10 दिल पर रहता है वो। ये मेरा इजी वाला है वैसे, आइए मेरे पीछे आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। भाई मैं तो शुरू होते खत्म हो जाऊंगा, मतलब स्टार्टिंग से आप ऐसा इतना हार्ड बोल रहे हो और बोल रहे हो इजी। वो भाई रात हो रही है। ओ शिट, दिन करो, जल्दी दिन करो, अभी कोई नहीं आना चाहिए। दिन नहीं, रात में ही होगा। नहीं नहीं पीएसटी भाई, ओके मैं खाना भी खा सकता हूँ। ओके इसे रिलीज करो, इसे रिलीज करो। सॉरी मुझे मत मार भाई, तुम दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ, आ जा भाई। ये ओ भाई, ओ शिट, ओ अभी एक शॉट मार दिया। आप हमारे पहले टास्क में सफल हुए। यस कांग्रेट्स, थैंक यू। इसका इनाम, जिसको आपने मारा है उसका मटन रखिए, ये ट्रॉफी है आप। अरे थैंक यू, वेरी थैंक यू भाई, सब पोर्शंस के बीच में रखूंगा मैं। आप नेक्स्ट टास्क बोलो, टाइम वेस्ट मत करो। हमारा नेक्स्ट टास्क कोई बच्चों का खेल नहीं है, आपको नेदर में जाना है। वापस आना है ना, और नेदर फोर्ट्रेस में जाना है, वहाँ पे 3 ब्लेज रॉड लेने। 3 ब्लेज रॉड, वो भी एक हट पे? पीएसए पागल हो गए, मतलब उनके पास जाते ही मर जाऊंगा। वो तो देख लेंगे हम लोग, मेरे को नहीं पता। ओके तो गाइस मैं यहाँ पे बहुत सारे टोटम निकाल लेता हूँ, पक्का मेरे बहुत सारे टोटम फूटने वाले, तो जितनी भी जगह सब मैं टोटम भर लेता हूँ, क्योंकि मुझे मरना नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं मरना है। और सबका टोटम का नाम मैंने अमर रख दिया भाई, क्योंकि मेरे को अमर रहना है, नहीं मरना है मुझे, नहीं मरूंगा मैं। सर जी हमें तो पहले फोर्ट्रेस ढूंढना पड़ेगा ना, किधर है फोर्ट्रेस? भाई मैं एक हट में फोर्ट्रेस भी ढूंढूंगा अभी। हां भाई मैं तो जाऊंगे कैसे, आइए मेरे पीछे आइए, देखते हैं हम लोग। नहीं पिया जाए, मस्ती मत करो, मैं एक हट पर हूं पिया जाए, बैन हो सकता हूं मैं। आप यहां पे आइए, चलिए मैं क्यों तोड़ूंगा भला। All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. नहीं शिट, लेविस भाई, लेविस भाई क्या बच पाएंगे? लेविस भाई नहीं, नहीं नहीं, ओ आसिफ, ओ ग्रुट ग्रुट आ रहे, ये आ रहे, मारो मारो मारो, जाओ जल्दी दोस्तों, मारो, जाओ 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 जाओ, पिल पिल पिल। बहुत किस्मत अच्छी है आपकी, बच गया, लेट्स गो। फोर्ट्रेस किधर है यार? नहीं ओश बच गया। हां भाई नो बॉल ले भाई, क्या है तुम, क्या वन पे नहीं खेल रहे हो क्या? कुछ भी यार, आपको नहीं मार रहे, आप मेरे को बस चैलेंजेस दो, वो भी 3 भाई आपने कितने दे दिए, चलो वो छोड़ो। अरे भाई फोर्ट्रेस मिल रहा था, कुछ तो करना पड़ेगा ना। ओह शिट, हेलो अरे ओ क्या कर रहे हो भाई, आप सीधा एक जगह पे खड़े नहीं रह सकते क्या? अरे मतलब क्यों, मतलब ऐसा लगा वो दूर से ही आप नमस्ते कर रहे हो। पास जाने का तो मन नहीं कर रहा है भाई, ये सच में बहुत हार्ड है। आपको लग रहा होगा कि हार्ड नहीं है, बट काफी ज्यादा हार्ड है। नहीं आप तो कुछ तो चीटिंग कर रहे हो, पता है मेरे को। नहीं बिल्कुल नहीं कर रहा, चीटिंग क्यों करूंगा, मैंने खुद ने आप पे अभी, हां एक ही है, मैंने खुद ने चैलेंज लिया और मैं खुद ही चीटिंग करूंगा, गजब आदमी हो यार। ओ कम ऑन स्केलेटन्स बॉयज, गो, यू कैन डू दिस। वो पीछे से आ रहा है अटैक, फायरबॉल्स, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। तुम क्या कर रहे हो? दो गए, लेट्स गो, दो गए। ओके गुड गुड, 3 हो गए, लेट्स गो, डन 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 डन। लो लो ड्रॉप करना होगा आपको, ड्रॉप करना होगा पहले मेरे पास। ये लो लो,
और अभी हमारा सेकंड चैलेंज भी कंप्लीट हो चुका है और बाकी अभी थर्ड चैलेंज। आई डोंट नो थर्ड चैलेंज कौन सा होने वाला है, अभी पीएस भाई बताएंगे। बताओ पीएस भाई, अब तक तुम्हारी जंग थी इस गेम के मॉब्स से या और अब तुम्हारी जंग होगी असली इंसानों से, मतलब प्लेयर्स। भाई नहीं, मैं किसी से कुर्सी की पेड़ी बांध लीजिए लैपिस में। मेरा तीसरा और आखिरी चैलेंज सुनिए, आपको एक हार्ट पर एसएमपी के मेंबर्स के सामने जाना, कोई भी 5 मेंबर्स के सामने, ठीक है? और उनको एक ऐसी क्रिट चेन मारनी, सॉरी क्रिट मारनी, और उनके सामने 5 सेकंड तक खड़ा रहना। हेलो, मस्त हूँ मैं, आप बताओ? और बताओ कैसे हो यार, सब बढ़िया? अरे अरे अरे, अरे मुझे मार दिया। अरे भाई, अरे नहीं यार, लास्ट डे हो भाई, ला बता सकते हैं। अरे आपके पीछे एक जॉब भी है। अरे वो मेरे को मार ही नहीं रहा, लॉल बचा। ओके चलो, डार्क वेब मिलता हूँ बात को, बाय बाय। हेलो दीपू भाई, माँ की जगह बात एकदम करो भाई। अनाउंस करना आप सर, तेरे को थंबनेल एडिटर चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं लड़ना है। हेलो सेनपाई। हेलो हेलो। अरे वो आपका पिछली वीडियो में गिफ्ट रह गया था ना भाई, आपने गलत चूज कर लिया था। मैंने बोला था भाई अपनी मम्मी की बात सुन लिया करो, आपने गलती से लेफ्ट राइट वाला चूज नहीं किया भाई। तोड़ो तो मैं आपको उसके बदले आज मैं गिफ्ट देता भाई दोबारा से आपको। अरे तो मैं कह रहा था कि हार्ट तो दे दोगे ना अब? हाँ सोच रहा था, क्या तुम सोच रहा था कि आपको क्या देना चाहिए? आपको पता है मैं 4 लोगों को काम खत्म कर चुका, सिर्फ एक बाकी है। आखिरी वाला आसान नहीं होने दूंगा मैं। अरे क्या है, रेक्सी के साथ भी कर लूंगा। हेलो रेक्सी, कैसा है ब्रो? झूठ बोल रहे, एक हाथ पर नहीं हूँ, मैं एक हाथ पर बिल्कुल भी नहीं हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मेरे 5 सेकंड हो गए, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं रेक्सी नहीं, खिताब आएगा नहीं भाई। मैं डीओबी वाली टेक्निक अजमाऊंगा, जहाँ मुझे अंदर पर डाल दूंगा। नहीं मरा क्यों नहीं है भाई, भाई क्या क्या इससे पलटू कर रहे हो? नहीं अभी तक मरे क्यों नहीं? मैं जा रहा हूँ, बाय 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 रेक्सी, लेट्स गो, बाय बाय। ओ शिट, अरे नहीं, मेरा फायर एसेस, मेरा फायर एसेस। ओ शिट, जैसे फायर एसेस मारा वैसे ही क्यों था भाई? हम नहीं छोड़े भाई, रेक्सी चल भाई, कितने चले गए ये लोग? इतने साइज है नहीं भाई, एंड अप मेरे पे भी है। आओ मुझे भी आना है भाई, पीएसए आप मेरे को बैन कराने के पीछे क्यों पड़े हो यार? नहीं अरे भाई हमारी नजरों से उड़ गए भाई, मेरे पीछे रेक्सी वाले मैसेज का वेट कर रहा हूं। छोड़ेंगे भाई आपको, हम नहीं छोड़ेंगे। ओ शिट, छोड़ भाई, एक क्रिटिकल के बदले इतना कौन मारता है भाई? तेरे को एक तूने मेरे कितने टोटम फोड़ दिए भाई, एक क्रिटिकल के पीछे इतना। अब बैन हो ना मेरे यहाँ पे भाई, नहीं अरे बहुत टोटम भाग जाऊंगा इंटरपल के पास। इतने टोटम रखे हो भाई, पूरी इन्वेंटरी टोटम से भरी थी मैंने। क्यों भाई, एक बार लेट्स गो वंस मोर, मरने वाले एंडर पल बता मेरे एंडरपल नहीं मेरे पास, यस कितने लड़ोगे यार? मन आज तो क्या कर लोगे, दिख गया हूँ। आपने क्यों बताया कि मैं एक हट पर था यार? तो अभी मैं लापता एसएमपी से बैन हो गया था, और ये तो होना ही था क्योंकि मैं एक हट पर था, इसलिए मैं पीएचडी भाई को पहले ही बुक दे के गया था ताकि वो मेरे को बाद को रिवाइव कर सके। आई एम गोइंग टू रिवाइव लैपिस, हाय 1 2 3 गो। मेरे पास 5 दिल है पीएसजी भाई, ये एंजल्स खुलती रही है भाई। मेरे को आउनो स्पॉन पे लेने भाई, देखिए
पैसा देख रहे हो, लैपिस भाई का पैसा देख रहे हो भाई? क्या है रे, क्या लिया? कुछ नहीं लिया भाई, सच में दिखा रहा था। हाँ, सच में। तो एक हट पर सरवाइव करके मैंने एक बहुत खतरनाक काम किया था जिसमें मैं सक्सेसफुली फेल हो गया, पर इससे भी ज्यादा खतरनाक काम मैं अब करने वाला हूँ सेनपाई को मार के। इस एसएमपी में मेरे को सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेयर बनना है क्योंकि मेरे को लग रहा है आजकल वॉर हो सकता है। आप पुराने वाले स्पॉन की हालत भी देख सकते हो, पूरा टूट चुका है। तो ओवर पावर बनने के लिए मेरे को चाहिए बहुत सारे पोर्शंस, बस उन पोर्शंस में सबसे एक जो मेन पोर्शन होता है वो होता है टर्टल मास्टर। इस जगह पे इसलिए क्योंकि यहाँ पर समुद्र और उसके अंदर टर्टल्स मिलेगा ताकि टर्टल मास्टर का पोर्शन बना सको। तो फटाफट से टर्टल ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पर फाइनली भाई 1.5 घंटे बाद एक टर्टल मिला मेरे को और मैं उसको लेके आ चुका हूँ स्पॉन पे। अरे भाई तो साइड रखना। तो बस अपने को भी एक और टर्टल चाहिए ताकि हम बना सके इन लोगों की आर्मी। सिट 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 स्केलेटन साइड रख। अब भाई सिट भाई, ये बोट पे बैठ चुके। व्हाट, ओ शिट, नहीं ये क्रीपर्स को तो मैं छोड़ूंगा नहीं यार। शिट, ओवर पावर बना रहे, मेरे को टर्टल मास्टर तो चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं और अभी मेरे को एक और टर्टल लगेगा भाई। मेरे को भी दोबारा 2 टर्टल ढूंढने पड़ेंगे। शिट यार, फिर से मेरे को इसे ढूंढने में 1.5 घंटा लग गया। व्हाट, अबे ये टर्टल ही है ना भाई, इतना रेयर क्यों हो गया आजकल? इसके लिए वो बनाए तो फटाफट से ये इनको मार जाओ पहले। मेरा इस बार टर्टल मरना नहीं चाहिए भाई, पिछली बार मेरे को लगा भाई ये मरता ही नहीं होगा जल्दी से यार, ये तो फटाक से मर गया। चलो हम लोग जब तक इधर ये बनाते हैं वॉल इसके लिए। वेट, अबे टर्टल किधर गया? ओके गाइस, ये जा चुका है और वैसे भी अपने को एक और टर्टल चाहिए, अपना एक हो चुका है। तो फाइनली मेरे को एक और टर्टल मिल चुका और अब मैं टर्टल्स की आर्मी बना सकता हूँ ताकि मैं टर्टल मास्टर के पोर्शन बना पाऊँ। धीमे धीमे, इतना स्लो है ना भाई ये, इतना गुस्सा आ रहा है। मैंने अपने जूते उतार रखे क्योंकि इन पे फ्रॉस्ट हुआ करती। ए हेलो सर, ये क्या कर रहा है? व्हाट, मारा क्यों उसने मेरा कछुआ? तो फिर अभी मैं कछुओं की आर्मी और अपना टर्टल मास्टर सब बाद में बनाऊंगा, उससे पहले मेरे को ये सेनपाई का खात्मा करना है। तो देखो, सेनपाई को खत्म करने के लिए मेरे पास यहाँ पर टोटल 3 तरीके हैं। पहला तो मैं उसे पीवीपी में मारूं, मजा नहीं आ रहा। हाँ वही मजा नहीं आएगा उसमें। दूसरा तरीका कि मैं उसे ट्रैप से मारूं। अब देखो, ट्रैप में मुझे कुछ ऐसे ट्रैप चाहिए जिसमें वो टोटम से ना बच सके। अगर वो टोटम लगा के बच गया तो क्या फायदा ट्रैप का? ऐसे अब सिर्फ 2 ही ट्रैप है, ठीक है? पहला तो माइनक्राफ्ट ट्रैप और दूसरा है वॉइड ट्रैप। बात ऐसे देखो, अगर मैं माइनक्राफ्ट वाले ट्रैप से मारता हूँ मजा नहीं आ रहा। अगर मैं वॉइड ट्रैप से मारता हूँ जिस तरीके से मैंने पिछली बार ओपीओ गेमर को मारा था, मजा नहीं आ रहा। तो आप लोग अगर मजा देना है तो भाई मेरे को कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, उसके लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं वॉइड ट्रैप एंड माइनकार्ट वाले ट्रैप की ब्रीडिंग क्यों ना करा दूं। यस गाइस, मैं ट्रैप की ब्रीडिंग कराने वाला हूँ। तो देखो, अगर मैं माइनक्राफ्ट एंड वॉइड ट्रैप की ब्रीडिंग कराता हूँ तो मेरे पास कुछ अलग आ जाएगा, ठीक है? उसी का यूज करके मैं कुछ तो कर सकता हूँ। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक पोर्टल बनाया, ठीक है? मान लो कि अगर मैं वॉइड पे एक पोर्टल बनाता हूँ जो कि ये रहा, ये बनाया मैंने पोर्टल। मान लो इधर से ऐसा सेनपाई घुसा और वो देखेगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इजिली यहाँ पर ब्लॉक लगा के ऐसे बच सकता है और ऊपर निकल जाएगा, ठीक है? तो ये तो एकदम टोटली बेकार आइडिया है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, देखो कि यहाँ पर मैं ब्लॉक लगा दूँ, ठीक है? और जैसे सेनपाई इधर आए मैं उसके ऊपर से यहाँ से माइनकार्ट गिरा दूँ। सोचो, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ माइनकार्ट लगाता हूँ, ठीक है? लगाओ। 20 सेट तो यहाँ पर हो चुके और अभी इस ट्रैप को टेस्ट करने की बारी है। और जैसे उस पोर्टल में वो निकलता है, वो नहीं, और उसने वो ट्रैप इजीली सर्वाइव कर लिया। सोचो देखो, मैं इस ट्रैप को और कैसे अच्छा कर सकता हूँ, रुको सोचने दो। मान लो यहाँ पर रखे हुए थे 2 ब्लॉक जहाँ पे माइनक्राफ्ट गिरकर टकराएगी, ठीक है? बट अगर मैं यहाँ पर कॉबवेब लगा देता हूँ तो मैं इजीली बच जाऊंगा, है ना? मैं यहाँ पे बटन लगा दूं। ओके, अगर बटन लगा ट्राई करते हैं, ठीक है? बटन लगा ट्राई करते हैं। ओके, तो अभी देखो अपने को, मान लो मैं इधर से गया फुल एकदम 20 हर्ट्ज और वहां जाने के बाद मुझे पता लगता है कि शिट, ये क्या है? यहाँ से सबसे पहले पानी डालूंगा और ये तो इजीली बच गया मैं। डूड, ये तो इजीली सर्वाइव कर गया भाई, एक टोटम तक पॉप नहीं हुआ मेरा। हाँ, जब मैंने ओपीओ को ट्रैप किया था तो मैंने लगाए थे फेंस गेट। ओके, ठीक है, ये मैंने लगाए फेंस गेट। खाना वाना सब पूरा हो चुका है और चलते हैं वापस से। ये क्या है? शिट शिट, ओके भाई, यहाँ पर अभी कुछ और आइडिया है ही नहीं भाई। इस ट्रैप से बचना पॉसिबल ही नहीं है ब्रो। अभी फटाफट से लापता में चलते हैं इस ट्रैप को बिल्ड करने के लिए। चलो चलो चलो, अभी बस मेरे को वाला बेडरॉक ढूंढना है जहाँ से मैं दोनों तरफ वो पोर्टल खोल सकूँ, है ना? तो मेरे को यहाँ पे रखनी है पिस्टन के बाद यहाँ से। ओह शिट, भाई यहाँ तो बेड रॉक है। व्हाट, मैं कैसे तो व्हाट द हेक, ये भी इधर भी बेड रॉक है भाई। एक्चुअली यहाँ पर होता है ऑब्सीडियन, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ पर होता है ऑब्सीडियन और उसके ऊपर होता है ब्लॉक, उसके बाद यहाँ पर TNT और यहाँ पर TNT, ठीक है? हाँ अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यस अभी ठीक है, अभी सब कुछ ठीक है।
What? ऑस्ट्रेलिया अगेन बेडरॉक तोड़ दिया ब्रो, पहली बार में ही टूट गया। शिट भाई, मैंने पिछली बार जब मैंने बेडरॉक तोड़ा तो फर्स्ट टाइम में बेडरॉक तोड़े थे मैंने। अभी गाइस यहाँ पर सिर्फ एक ही बेडरॉक बाकी है जो कि ये वाला, इसे भी ट्राई करते हैं क्या ये इस बार में टूट जाएगा। मैं अभी फर्स्ट ट्राई कर रहा हूँ ये वाला तोड़ने के लिए, और नहीं टूटा पता ही था। ओके लेट्स गो डन भाई, बेडरॉक तोड़ने से मैं मसीहा हो चुका भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है, यूं ही तोड़ दिया मैंने ये वाले बेडरॉक, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा सही बताओ तो मैं इनको बेडरॉक तोड़ने में। तो बस अभी अपने को बनाना है यहाँ पर एक नेदर पोर्टल जो कि बनेगा इस जगह पर, तो अभी हम लोग वेट करते हैं सेनपाई के आने का। बट उससे पहले मेरे को वो स्पॉन के सारे पोर्टल तोड़ने थे जो कि स्पॉन पर बने हुए थे, ताकि सेनपाई गलती से किसी और पोर्टल में ना निकल जाए। तो प्लान तो एकदम सिंपल है, बस सेनपाई को यहाँ से घुसाना है, ठीक है। जब सेनपाई को ऐसे घुसाएंगे तो वो यहाँ बाहर इस जगह के निकलने की जगह पर वो निकलेगा नीचे, तो बस मैं नीचे जाता हूँ सबसे पहले, और नीचे जाके वो वॉइड खोलता हूँ ना। ओके तो मुझे क्या करना है? आपको सेनपाई को बुलाना है और मुझे बताना है भाई सेनपाई कब आएगा, अगर नेदर पोर्टल के अंदर जब घुस जाए तो मुझे बता देना बस। चलो अभी मैं सबसे ज्यादा रिस्की काम करने वाला हूँ, ठीक है। अभी मेरे को यहाँ के ऑक्सीजन तोड़ने हैं और उसके बाद मेरे को इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं करना है। चलो डन, बस मेरे को ये पोर्टल को लाइट अप कर देना, ठीक है। ये कर दिया मैंने पोर्टल लाइट अप, किस कारण से बुलाऊं मैं उसको यही समझ नहीं आ रहा। रुको मेरे को लगा बस मेरे को देख के पता नहीं कहां तक पहुंचा। मर गए क्या? बच गया भाई, मैं मर गया तो मेरी आत्मा को शांति के लिए कुछ कर देना बस। तुम कैसे मरोगे? पर पता नहीं अभी देखा ना, पता नहीं कैसे फट गया मेरा माइंड का। चलो ठीक है, ये हो गया। कुछ रखा होगा आपने उसको बुलाने की टेक्निक, वो तो आपको पता होगी ना भाई, मैं तो आपको छोड़ दिया सारी चीजें। मुझे कहां से पता थी होगी ये टेक्निक, मैं कहां बुलाता हूं लोगों को। चलो ठीक है, अभी मैं वापस से वही सेम काम करने जा रहा हूं जिससे मैं अभी मरते मरते बचाऊं। फटियो मत प्लीज, फटियो मत प्लीज प्लीज। फट गई। ये क्या था भाई, ये क्यों हो रहा है? पता नहीं, कोई बात नहीं, हम एक ही जगह रख लेंगे भाई, दो जगह रखने की जरूरत ही नहीं है भाई, बाहर हो जाए एक ही रखेंगे हम। बच गया मैं फिर से। जब जैसी सेनपाई का नेम टैग मुझे नीचे दिखा, मेरे को बस ये तोड़ना है, ठीक है गाइस। मैं एक चीज भूल गया था, प्लीज फूटियो मत, प्लीज मत फूटियो। सबसे पहले अपना सल्कर रख लेता हूं मैं खत्म हूं यहां पर। ओके ओके भाई, बहुत डर लग रहा है मुझे, सीरियसली डर लग रहा है दोस्तों। तो अभी एकदम ये पूरा सेट हो चुका है, तो अभी बारी थी सेनपाई को बुलाने की। अगर मैं बुलाता तो भाई पूरा यकीन हो जाता था कि यहाँ पर ट्रैप है। तो यहाँ पर मैं पीएचजे को बोलता हूँ, आप बुलाओ सेनपाई को। दोस्तों यस दोस्तों, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, लैपिस भाई की टर्टल की श्रद्धांजलि कर रहे हैं हम लोग स्पॉन पे। ओके प्लीज आइए यार, सब लोग आइए। मैं भी आऊं क्या? दुखी का माहौल है। यस आता हूं मैं, वेट भी आ रहा हूं गेम में। मैंने ही मार लिया था। हां क्या कातिल खुद आ रहा है देखने। अभी तो स्टीवी भी आया था पोपट की, ऐसा लग रहा है सेनपाई आपको एक कछुए का कातिल बनकर। मैं डिप्रेशन में, मैंने उस कछुए को क्यों मारा? क्या आपको आपकी एक्शंस का रिग्रेट हो रहा है? यस, मुझे पता नहीं था वो टर्टल इसका है, लैपिस का। और अभी सब कुछ सही चल रहा था, तभी टीओपी मेरे पास आता है और बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है। हेलो लैपिस। बोलो भाई, क्यों बुलाया? आपको पता होगा कि मैं ड्रैगन एग कन्या हूँ, वो हूँ ओनर। यस यस यस, और आपकी टीम के पास 100 हर्ट्स भी है, तो मेरे पास एक डील है। बताओ। मैंने एक गेम बनाया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और गेम मतलब वो ऐसा हंट टाइप है, मतलब आपको हिंट दिए जाएंगे
क्या व्हाट, तू सनपे की तरह मुझे ट्रैप करने के बारे में सोच रहा है क्या भाई? नहीं 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 नहीं, देखो देखो देखो, मैंने डायना खरीदा थी क्या, उसके लिए मैंने 26 हर्ट्स दिए और मैं बहुत कम हर्ट्स पे आ गई, तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़े से हर्ट्स कमाऊँ, और उसका एक वे है कि मैं गेम कर रहा हूँ, और अगर आप वो जीत जाते हो तो मैं आपको डायना दूंगा, ठीक है, और अगर आप वो नहीं जीतते हो आपको मुझे 10 हर्ट्स देने पड़ेंगे, और ट्रैप वैप कुछ नहीं रहेगा, ठीक है? मतलब सिंपल जैसे हिंट्स हैं वैसे ही, बस मेरे को वो क्रॉस करके जाने हैं। गेम के बहुत सारे रूल है, और एक रूल ये है कि आप उसको 12 घंटे तक ही सॉल्व कर सकते हो। सेकंड रूल ये है कि आप किसी और प्लेयर की हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि मुझे पता है कि आपके टीममेट में बहुत दिमाग है। और तीसरा रूल ये है कि आपको अपनी इन्वेंटरी से सारा सामान निकालना होगा। नहीं, आर्मर और टूल्स आप रख सकते हो, आर्मर और टूल्स रख सकते हो, लेकिन पर्ल्स और ब्लॉक ब्लॉक आपको ऐसा, और आपको स्क्रीन शेयर करके सामान निकालना होगा। और एक और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल, आप ये देख पा रहे हो एंडर चेस्ट, आप इसको वो गेम के बीच में कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, स्टार्ट कब करना है मेरे को? स्टार्ट आज शाम को करते हैं, आप आज शाम को 9:30 बजे शुरू करना, ठीक है? मैं सबसे लास्ट हिंट पे मिलूंगा। ओके, यहाँ पर डीओपी ने मुझे चैलेंज तो दे दिया था, पर मैं यही सोच रहा था उस चैलेंज को एक्सेप्ट करूँ कि ना करूँ। 12 घंटे के अंदर कम्प्लीट करना, इसका मतलब उसने बहुत ज्यादा हार्ड बनाया होगा ताकि मैं उसे 12 घंटे के अंदर कम्प्लीट ना कर पाऊँ और मुझे उसे 10 दिल देने पड़े। पर बहुत ज्यादा सोचने के बाद, कुछ ज्यादा ही सोचने के बाद, क्या पता जीत गया ड्रैगन एग मिल जाएगा ना भाई, नहीं ज्यादा ज्यादा क्या जाएगा, 10 दिल जाएंगे अपने दे देंगे यार। ओके गाइस, तो अभी बज चुके हैं शाम के 9 और अभी बारी है डीओपी को बुलाने की। भाई मैं अपना स्टार्ट कर सकूं ताकि, तो उसको पीसी बोलते हैं डीओपी। हेलो लैपिस। हेलो भाई, मेरे को मेरी फर्स्ट हिंट चाहिए, 9:30 बजने वाले भाई। अभी भाई 9 बज रहे हैं, 9:30 को मिलेगी हिंट आपके पास। आप पहले वो करो, स्क्रीन शेयर करो, फिर मैं बताऊंगा क्या क्या अलाउड है और क्या क्या नहीं। कर दे भाई स्क्रीन शेयर कर दे। पहला हिंट मेरे हाथों में है, ये देखिए। देना भाई देना, 5 मिनट होगा बस। ओके, गुड लक मिस्टर लैपिस। सिप, फर्स्ट सिप। अबे इस दुनिया में कितनी सारी सिप है, कौन सी सिप और कौन सी फर्स्ट भाई? हेलो, वो आप खुद से फिगर आउट करिए, ठीक है? मैं आपसे बस अब कल 9:30 बजे ही बात कर सकता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर अपने को फर्स्ट हिंट मिल चुकी है जो की है सिप, और उसके बाद है फर्स्ट सिप। सिप फर्स्ट है कि फर्स्ट सिप है? एक सेकंड, देखो देखो सुनो गाइस, अगर ये फर्स्ट सिप की बात कर रहा है तो आई थिंक आप लोगों को याद होगा जब ये सीजन स्टार्ट हुआ था तो एक स्पॉन पर सिप थी, ठीक है, जो पायरेट्स की जो सिप होती है डूबी रहती है जो। ओके गाइस, तो मैं अपने वो वर्ल्ड स्पॉन पे पहुंच चुका हूँ, ये वो वाली सिप है जो कि इस वर्ल्ड की फर्स्ट सिप है। तो क्या इसकी चेस्ट के अंदर मेरे को वो हिंट मिलेगी नेक्स्ट? एक सेकंड, अपने को चेक करना है। ओके, इसके अंदर एक चेस्ट है जो कि ये रही, और ये तो पूरी खाली है भाई, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब मैंने गलत सोचा था क्या? टावर ऊपर क्यों जा रहा है? फर्स्ट हिंट मेरे को हवा में मिलने वाली है या फिर अंडरग्राउंड, ठीक है? ओ एक सेकंड, ऊपर पानी है, वो भी हवा में फ्लोट कर रहा है वो। ओके, मैं पहुंच गया, और मैं भाई ये पानी लिटरली हवा में उड़ रहा है ब्रो। क्या इसने वो ग्लिच किया जो हम रेडस्टोन और पिस्टन की मदद से करते, वो यहाँ पे इसने पानी का पार्कोर बनाया। ओके, और सामने चेस्ट है जिसको मैं इजिली यहाँ से ऐसे ही एक्सेस कर सकता हूँ। और वैसे भी देखो मेरे को पानी का पार्कोर करना है भाई, आखिर कैसा होता है पानी का पार्कोर, एक बार टेस्ट करते गाइस। ओके, ओ शिट यार, अब मैं एक एक करके वापस जाऊं क्या? ये क्या बात है मेरे साथ, स्कैम ब्रो, सर्वर डिस्कनेक्ट, व्हाट? बहुत बढ़िया गाइस, अपना इंटरनेट जा चुका है, अभी देखते हैं वो कब तक आने वाला है। ओके, तो इंटरनेट तो मेरा आ चुका है पूरे 2 घंटे बाद, और अभी भी हम उस चेस्ट को उस वाटर पार्क से एक्सेस नहीं करेंगे। ओके, तो अभी हम चेस्ट के पास पहुंच चुके हैं, और इस चेस्ट के अंदर है एक बुक, और इसको ऊपर रखते हैं और इसमें देखते हैं कि अपने पास ये क्या है। ओके गाइस, तो ये एक बाइनरी कोड है जिसको मेरे को डिकोड करना पड़ेगा गूगल पर जाके। हम आ चुके हैं बाइनरी कोड ट्रांसलेटर पर, मेरे को यहाँ पर इसे पुट करना है और कन्वर्ट करके 0 और 32,000। ओके, तो मेरे को ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 0 और 32,000 में मेरे को पहुंचना है। तो फाइनली मैं 32,000 पे तो पहुंच चुका हूँ, और कोई भी नहीं पूछेगा पैरों में कितना दर्द हो रहा है। तो 32,000 पहुंचने में सिर्फ मेरे को 200 ब्लॉक, इनफैक्ट 150 ब्लॉक बाकी है। ओ पोर्टल, ओके, इसका मतलब देखो एक सेकंड, यस यही है 32,000 पे मतलब। ओके, तो मैं आ चुका हूँ पोर्टल के अंदर, या तो वो नीचे है या ऊपर है, मेरे को सबसे पहले नीचे जाना चाहिए। ब्रो मैं यहाँ बेडरॉक तक आ चुका हूँ, इसने यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि इसने जो छुपाया है वो ऊपर है, मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। ओह ओके, पहुंचा ऊपर, बोट है, वेट ब्रो, ये बोट किस लिए? शिट, ड्रैगन है ब्रो, ड्रैगन है, शिट, अबे मैं निकल गया ब्रो। अबे शिट, मैं निकल ले चेस्ट,
ओके खाना और ये क्या है? Scared here for the first time. Bro, मैं निकलूंगा कैसे इधर से? क्या मैं यहाँ पर ट्रैप हो चुका हूँ परमानेंट? Bro, ना मैं ये बेडरॉक तोड़ पा रहा हूँ, ना मैं शिफ्ट से तो कुछ हो ही नहीं रहा. क्या मतलब ये ट्रैप था मेरे को ट्रैप करने के लिए डीओपी का? बट मैं इस ट्रैप से तो इजिली निकल सकता ना भाई. मेरे प्लेयर एक सेकंड में हेल्प नहीं ले सकता किसी और प्लेयर की. अभी मेरे को गूगल बाबा की हेल्प लेनी पड़ेगी. ओके तो ये मैं हूँ और ये मेरे सामने बोट रखे हुए हैं. अगर मैं कैसे भी करके इस बोट को तोड़ दूं, पर मैं नहीं तोड़ सकता क्योंकि मेरा जो कर्सर है वो बेडरॉक पे आ रखा है, तो मैं नीचे गिर सकता हूं अगर ये बोट टूटे तो. बट बोट तोड़ेगा कौन भाई? यहाँ पर मैं किसी और प्लेयर की हेल्प नहीं ले सकता. तो यहाँ पर मेरे को अब एक ही चीज बचा सकती है, जो कि है कि ये बोट डिस्पॉन हो जाए. यस ओके तो यहाँ पर सर्च करना है विल माइनक्राफ्ट बोट डिस्पॉन. तो या जैसा मैंने सोचा था कि मैं पक्का एक ऐसे ट्रैप में फंसूंगा जिससे मैं से 12 घंटे के अंदर पार ना कर पाऊं, और मैं उसके अंदर फंस चुका हूं. और मैं बोल कैसे रहा इतना आराम से? मैं फंस चुका हूं, मैं कैसे कंप्लीट करूंगा इसे? A few moments later. तो फिर मैं इस बेडरॉक से तो बाहर निकल चुका हूँ, और मैं कैसे निकला वो थोड़ा सीक्रेट है, वो मैं आपको बाद को बताता हूँ. बट उससे पहले जो हमको ये हिंट मिली है, मैं वहाँ पर पहुँचना है. और इस हिंट के हिसाब से मुझे लगता है कि जहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम डरा था, मेरे को वहाँ पहुँचना है. और मैं फर्स्ट टाइम डरा था जब मैं इस वर्ल्ड में मरा था, और मैं फर्स्ट टाइम मरा था क्रीपर से. ओके तो फटाफट से कोऑर्डिनेट पर पहुँचते हैं. ओके तो इसने हमको निकाला है 1800 और 100 पर, तो मेरे को 1500 पर जाना है, तो अपने को ऊपर निकलना पड़ेगा यहाँ से. ओके तो मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम डरा था, और ये वो जगह है. यस यही है, यही. Yes, 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 yes. तो देखो मेरे को बस वो जगह ढूंढनी है जहाँ पे मेरे मुंह पर क्रीपर फटा था. ठीक है ओके ओके लेट्स गो. मैं पहुंच गया. यस यस यही वो जगह एग्जैक्ट, मैं वही जगह पा चुका हूँ. तो गाइस यहाँ पर देखो यही वो जगह यहाँ पे मेरे मुंह पर क्रीपर फटा था, और देखो यहाँ पर कुछ भी है. ओके ये चेस्ट. और तो यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम डरा था, ये वो जगह नहीं है. तो इसके अलावा मैं कहाँ पर डरा था? और मेरे पास अभी ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है. व्हाट भी इतनी बड़ी जगह हो, कैसे भूल सकता हूँ जब मैं एंड में फर्स्ट टाइम डरा था? जब एंड पर होने वाला था तो मैं डरकर एक्चुअली डरकर नहीं, मैं छुप गया था. वो नहीं पता क्यों छुपा था, क्योंकि मेरे पास कोई भी रिसोर्सेस नहीं थे, तो मैं एंड में एक पिलर के अंदर छुप गया था. ओके फटाफट से एंड चलते हैं. ओके गाइस तो अभी हम लोग आ चुके हैं एंड में, और अभी हमको वो वाला पिलर ढूंढना जहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम डरा था, मतलब जिसमें छुप गया था डर के. तो वो पिलर देखो इस वाले से लेफ्ट में था, यहाँ पर मरे थे PSDY आई थिंक, जितना मुझे याद है. और फर्स्ट जो बार्स वाला था ये था. ठीक है तो मेरे को अभी इसके अंदर वो ढूंढने की मेरी चेस्ट किधर होगी जिसमें मेरे को हिंट मिलने वाली है. यही वो जगह थी जहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम छुपा था, और ये रही वो चेस्ट. ओके ओके लेट्स गो. ये रही अपनी नेक्स्ट हिंट, जो कि है सीधा कोऑर्डिनेट 1000 और 2000. नेक्स्ट एक सेकंड, एंड के 1000 और 2000 पे मेरे को जाना है. ठीक है तो फटाफट से 1000 और 2000 कोऑर्डिनेट्स पे निकलते हैं. पर देखो 1000 और 2000 कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचने के लिए मेरे पास ब्लॉक्स नहीं है, क्योंकि मैं ना ही एंडरपल यूज कर सकता हूँ ना ही इलाइट्रा. हाँ तो मेरे को जितना भी डिस्टेंस कवर करना है वो मेरे को ब्लॉक्स के साथ ही करना पड़ेगा. तो फटाफट से ब्लॉक्स माइन करके निकलता हूँ भाई मैं. ओके आई थिंक यही वो सिप है, यही बुलाया क्या मेरे को? लिटरली मेरे ब्लॉक्स तो खर्च ही नहीं हुए भाई, क्योंकि पूरा रास्ता पहले से बना हुआ था. ब्रो ये सिर्फ और सिर्फ सिप है, इसका वो नहीं है, सिटी नहीं है. ओके गाइस तो मैं पहुंच चुका हूँ एंड सिटी पर, लेट्स गो. ओके मैं पहुंच चुका हूँ एंड सिप पर एक्चुअली, और यहाँ पर सामने इलाइट्रा नहीं है. एंड ठीक है प्लेस फर्नेस एंड स्मेल. ओके तो मेरे को यहाँ पे फर्नेस प्लेस करना है, जो कि मेरे को नहीं मिला है फर्नेस. एक सेकंड सामने चेस्ट में होगी, कोल है इधर, और ये चेस्ट खाली है. फर्नेस कहाँ है ब्रो? स्टोन तो मेरे पास भी है. मैं एंडर चेस्ट एक्सेस नहीं कर सकता, और इस सिप के एंड सिटी भी नहीं है जहाँ पर एंडर चेस्ट मुझे मिले. तो बात ये है कि मुझे स्मेल्ट करना है, और मेरे पास सिल्क टच का पिकेक्स है, वो फर्नेस बना नहीं सकता. तो फिर से मैं एक एंड सिप पर फंस चुका था, और मुझे यहाँ पर फर्नेस चाहिए थी जो कि यहाँ पर कहीं पर भी नहीं थी, और मेरी पिकेक्स पर लगा हुआ था सिल्क टच जिससे मैं कॉबल स्टोन भी नहीं बना सकता था. और उसके बाद बहुत ज्यादा रिसर्च और बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद मुझे ये वाली वीडियो मिलती है. देखो अभी भी एक ऐसा ग्लिच है जिससे तुम इसके रॉ मटेरियल निकाल सकते हो. अगर तुम किसी भी बोर्ड को 12 या 13 ब्लॉक से नीचे गिराओगे तो वो वापस अपने रॉ मटेरियल में बदल जाएगा. एक दो तीन, और उसके बाद मेरे को 2 ब्लॉक इधर जाना है, और यहाँ पर मेरे को प्लेस करनी है ये बोट, एंड नीचे वाले ब्लॉक को मुझे तोड़ देना है. यस लेट्स गो, मैं पीकेक्स बना सकता हूँ ना. यस लेट्स गो
और अभी मैं वहाँ पर फर्नेस बना सकता हूँ। ये रखा मैंने एंड मेरे को इधर स्मेल्ट करना है, वेट मेरे को स्मेल्ट करना है, वेट वेट वेट। तो यहाँ पर मैं अपनी रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ एंड ऑन करना भूल जाता हूँ, पर मेरा रिप्ले ऑन था। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को मेरे साथ क्या होता है उस समय पे। जैसे ही मैं उसके अंदर स्मेल्ट करता हूँ, वहाँ से एक ब्लॉक हटता है, डिस्पेंसर से एक बुक आती है और उसके अंदर लिखा हुआ था जब निज गेमर को गिफ्ट मिला था बाय मिस्टर लैपिस। तो शायद से आप लोगों को पता होगा इस वाली वीडियो में निज गेमर को गिफ्ट दिया था एक ऑब्सिडियन के रूम में, वो भी एक बड़े से लैपिस के नीचे। तो क्या था, मैं फटाफट से चला जाता हूँ। ओके गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूँ फाइनली इतना ज्यादा टाइम चलने के बाद। भाई तो मेरे को इलाइट्रा एंड्रेपल कुछ भी नहीं दिया उसने, पैदल पैदल चल के मेरे को पूरा डिस्टेंस कवर करना पड़ा। एक सेकंड वो तो अभी यहाँ पे होगा नहीं, गेम में ही नहीं है कोई, मैं अकेला गेम में हूँ क्योंकि मैंने टाइम से काफी पहले ये वाला चैलेंज कंप्लीट कर दिया। एक सेकंड मुझे डिस्कॉर्ड में मैसेज करके आता हूँ भाई। हेलो भाई, मैं पहुंच गया लास्ट वाले हिंट पर भी। आप हो कहाँ पे, आप वो बताओ ताकि मैं मतलब देख पाऊँ कि लास्ट पे पहुंचो या नहीं। लैपिस के नीचे जो ऑक्सीजन रूम है वहाँ पर। ओके यही ना भाई। ओके यस, यही हो जाएगा। पहुंच गया भाई, किधर है? चल भाई ड्रैगन एग दे भाई। देखो देखो देखो, आपने 12 घंटे में कंप्लीट कैसे किया, ये इम्पॉसिबल था। ट्रैप ट्रैप, बट तूने खुद ने बोला था कि तू ट्रैप नहीं बनाएगा पूरे में, तूने ट्रैप बनाया। अब तूने ही उल्टे रूल तोड़ा ना। था वो बस आपको रोकने के लिए था, बोट ट्रैप, वो मतलब ट्रैप था ही नहीं, आपके लिए हार्मफुल नहीं था वो। अभी जो तुमने बनाया था मैं उससे निकल चुका हूँ, तो अभी मुझे ड्रैगन एग चाहिए। मैं नहीं दे रहा भाई ड्रैगन एग, अभी आपने उससे निकलने के लिए कुछ तो झोलमाल किया होगा। मुझे ड्रैगन एग चेस्ट में भी नहीं रख सकता मैं ड्रैगन एग। वेट 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 वेट, और मुझे पता है आपके पास नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है मेरे को पता है। अगर आप खुद के शल्कर से निकालोगे तब तक मैं वो चोरी कर लूंगा। अच्छा यार, देख क्या रहे हो भाई, अभी देखने की बारी तेरी है, मुझे ड्रैगन एग दे। यस यस यस, मैंने ड्रैगन एग के लिए पूरी जिंदगी भर की कमाई डाली और अब मुझे देना पड़ रहा। यस मैं ओके 3, ओ माय गॉड, यस यस लेट्स गो। डीओपी जाते जाते एक बात और सुन के जाते, तुझे पहले ही बताया था, नहीं भागने कुछ को नहीं मार रहे, नहीं मार रहे तेरे को, तुझे पहले ही बताया था और इस बार भी बता रहे हैं, चड्डी गैंग नेवर कम्स अलोन। फ्लैशबैक। हेलो पीएसटी भाई, तो देखो लास्ट हिंट में मैं पहुंच चुका हूँ जो कि लैपिस के नीचे जो है वो एक ऑप्शनल का रूम है और वहां पर मेरे साथ कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो ऑप्शनल में मेरे को फंसा के मार भी सकता है, मेरे पास कोई भी सामान नहीं रहने वाला। तो देखो आपको एक काम करना है मेरा कि आपको उस ऑप्शनल रूम के ऊपर इनविस डाल के रहना है और जब मैं बुलाऊं तब आपको आना है। जल्दी आओ ना पीएसजी भाई, क्या कर रहे हो भाई, नेदर रैक की माइंड करने ना भाई। पहुंच रहा हूँ भाई, 2 मिनट रुक जा यार, जल्दी करो भाई, टाइम नहीं मेरे पास, 12 घंटे में कंप्लीट करना है। अबे जा खुद ही कर ले यार जा भाई। अरे नहीं नहीं, आओ आओ आओ। तो पीएसडी भाई की हेल्प से मैंने इस प्रिजन को तो स्केप कर लिया था और साथ ही साथ ड्रैगन एग को भी जीत लिया था और यहीं पे मेरा सफर खत्म होता है सीजन 4 का और स्टार्ट होता है सीजन 5। और सीजन 5 में बहुत सारे नए नए रूल्स भी ऐड हुए थे और रूल्स के हिसाब से एंड अभी भी लॉक था और आज हम इसी रूल को तोड़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लापता एसएमपी का सीजन 5 स्टार्ट हो चुका है और इसकी स्टार्टिंग बहुत ज्यादा पीसफुल थी। खैर ये सब छोड़ो, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी हम लोगों को जो इस तरह का इतना बड़ा रूल तोड़ना पड़ रहा है। वैसे इस रूल को तोड़ने का इतना बड़ा भी कोई रीजन नहीं है। तो जैसा भी आप लोगों ने देखा कि सीजन स्टार्ट होते ही सब लोग एक दूसरे को मार रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी मारे, और आप लोगों को तो पता है कि चड्डी यंग तलवार से कम और दिमाग से ज्यादा काम लेती है, तो मैंने यही सोचा था कि हम लोग तलवार की जगह पर लिंगरिंग पोशन यूज करेंगे। हम लोग एंड में जाएंगे, वहां जाकर ड्रैगन की ब्रेथ को कलेक्ट करेंगे एंड लिंगरिंग पोशन बनाएंगे। इससे हम लोग किसी भी प्लेयर को इजिली मार सकते हैं बिकॉज अभी तक किसी के पास भी नेदरराइट नहीं है, नेदरराइट छोड़ो भाई किसी के पास डायमंड तक नहीं है, क्या भाई डायमंड भी छोड़ो किसी के पास आयरन तक नहीं है। बिकॉज ये लापता एसएमपी सीजन 5 का एक नया रूल है कि हम ये सारी चीजों को धीमे धीमे अनलॉक करेंगे, पहले लेदर फिर आयरन फिर डायमंड एंड फिर एंड में जाके नेदर आए। तो फिलहाल तो सब लोग लेदर पे है तो क्यों ना इस चीज का फायदा उठाया जाए एंड सबको। तो हम लोगों को एंड में जाना है तो हम लोगों को चाहिए सबसे पहले आई ऑफ एंडर, और मैंने जैसा कि बताया कि हम लोग नेदर के आर्मर पर हैं और नेदर में सर्वाइव करना कितना हार्ड है वो लोग आप समझ ही सकते हो। आ जाओ गाइस, पोर्टल बन गया अपना, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। यस फर्स्ट टाइम नेदर, लेट्स गो बॉयज। ओ यस डीओपी, ये क्यों किया, ये किया किसने? कसम मैंने नहीं किया भाई, मैंने भी नहीं किया, मेरे पास रिप्ले मेरे पास है। मैं यहाँ देखो भाई, मैं तो हुई नहीं भाई, देखो कि मैं ब्लॉक लगा के डैमेज से बच जाऊंगा। डीओपी ने किया भाई, मैं तो खड़ा था। क्या रे डीओपी, ये डीओपी
ए मिल गया, मिल गया फोर्ट्रेस, मिल गया पीछे आ रहा हूँ। आ जाओ पीछे देखो, पीछे देखो, अपने पीछे देखो, ऊपर आओ। मेरे पास तीन स्टेक है बस और उम्र खत्म है भाई, मेरी मौत है क्या आज। वो 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 चलो ये ले लेता हूँ, ये काम आएगा। ले लो। ए, ए, आग लगा दी, मारो। ए शिट 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 शिट, वो विदर आया, विदर स्केलेटन आया, मार दिया। उधर वो विदर स्केलेटन है, देखो ध्यान से, मार दिया। बढ़िया, चलो खत्म। नीचे गया वो, आ मुझे वो चाहिए। ओके मिल गया, चलो नाइस। भाई मेरे चार हार्ट से नीचे गए नहीं भाई। नहीं भाई चार हार्ट पर इतना कौन नीचे गिरता है। गलती कर दी, क्या हो गया, गलती कर दी, लीव कर दो, गलती कर दी, लीव कर दो। अच्छा पिक को मार दिया वो पिगलिन वाले गैंग को। दो, अरे दो ब्लॉक ऊपर हो जाओ, मार दो सबको। लीव नहीं भाई, मैं लीवर नहीं हूं भाई। अरे नहीं, अरे मुझे लगा लाओ में गिरे, इसलिए मैं बोला लीव कर दो। मैं गेम लीव कर रहा हूं। ओ शिट, आप तो गेम लीवर देते हैं। लीवर बन गया आज से। अरे यार अभी एक मेरे को बचाओ भाई। आ रहा रुको रुको, रिप्ले देख के बाद। मैं तो यहीं पर हूं, इतने पास तो लोड होते हैं। क्या यहीं पे लीव किया आपने? हां लीव किया भाई। चलो रुको रुको, इधर से बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर अपने एंडर रॉड एंड ब्लेज पर्ल दोनों कलेक्ट हो चुके थे, एंड जितना हार्ड ये मैंने सोचा था उससे लाख गुना इजी था। आई नो कि मैंने आपको बोला था ये बहुत ज्यादा हार्ड हो सकता है, पर मैं एक चीज तो बताना आप लोगों को भूल ही गया था, तुम्हारा भाई तो बहुत ज्यादा प्रो है यार। बट यहाँ से जाते जाते पी एस जी भाई ने दोबारा हक दिया। भाई देख गेम पे क्यों ही, मैं उस दिन शिट इधर लाओ, मैं इधर लाओ, मैं रुको मैं बताता हूँ कहाँ हूँ। मैं आपको इजीली बचा सकता हूँ, एकदम इजीली, बताओ बस कोड बोलो आप। कोऑर्डिनेट्स हैं -443 29.2 126। अच्छा यही है क्या? अरे ये तो है, चलो कर लो ज्वाइन। ऐसे बचाया भाई? अरे मैं हूं ना भाई, आ तो ज्वाइन करो। अगर तो आप एग्जैक्ट उसी पे हो तो बच जाओगे, नहीं इधर उधर हो तो खत्म। ये बॉय रुको, इधर उधर मत तोड़ना, बिल्कुल मत तोड़ना। अरे बाहु बुली निकले भाई आप तो, बस आ जाओ। तो अभी हम लोग तीनों के तीनों लोग नेदर से आ चुके हैं। हम लोगों ने नेदर से एंडर पर्ल एंड ब्लेज रॉड दोनों ला चुके हैं, तो अभी फटाफट से इसका बनाते हैं आई ऑफ एंडर एंड चल। बट एक सेकंड क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, एक सेकंड मैं इस पर बना के देखता हूँ। पनीर कुछ गड़बड़ है क्या? हेलो पीएस भाई, आई ऑफ एंडर बनाओ जरा। आई ऑफ एंडर बनाओ, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? अच्छा बैंड है क्या? बन नहीं रही क्या आपसे भी? बन रही है, ले लू क्या बना के? हाँ ले लो। ओ बैन है, आई ऑफ एंडर बैन है। तो एंड में कैसे जाएंगे? तो हमारा एंड में जाने का प्लान तो यहीं पर पोपट हो गया। अभी हम लोग एंड में कैसे जाएंगे? लापता एसएमपी सीजन 4 का सर्वर को क्राफ्ट वाइज संभालता है, अभी वो नहीं है, तो उसकी जगह पर अभी इस सर्वर को दीप वाइज संभालते हैं। एंड मुझे क्या पता था कि दीप वाइज ने आई ऑफ एंडर ही बैन कर रखे भाई, जाओ चले जाओ एंड में जा सकते हो तो। बट मेरे पास आई ऑफ एंडर अनबैन कराने का एक मस्त प्लान है। हेलो दीप वाइज। हाँ बोलो। लापता एसएमपी में एंडर चेस्ट नहीं बना सकते क्या? इंडर चेस्ट तो बना सकते, आई ऑफ एंडर तो बैन है, कैसे बनाएंगे? अरे वो बैन है क्या? रुको मैं कर देता हूँ सैम। मुझे पता था अगर मैं ये बोलूंगा कि एंडर चेस्ट नहीं बना सकते हम लोग, तो आई ऑफ एंडर तो इजीली अनबैन हो जाएंगे, और वो हो भी गए। यस लेट्स गो, लेट्स गो। बन गए, रुको मैं बनाता हूँ। बनाओ 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 बनाओ। एक मैंने बनाई, ये देखो भाई, लापता की पहली गैंग जो की एंड में जाएगी भाई, लॉक द एंड में, और इलेक्ट्रा से उड़ेगी। यस ओ सामने है, सामने है, सामने। चलो 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 पीछा करते। ये पीछे क्या, पीछे का एंडर पर्ल पीछे क्या, पीछे क्या क्या मतलब पीछे है इसको। रुको रुको भाई, बॉर्डर पे आ गए हम लोग। किधर गया एंडर पर्ल, किधर है? ओ आई ऑफ एंडर। ओके एक बार इधर से आओ, दो दो लेयर कर लेते हैं। रुको ए आगे, नीचे 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 आ जाओ, आ जाओ। आई स्पाई, आई स्पाई, यो वो मिनट गाइस, आयरन लेके आया, गायब कर दी इन लोग ने स्ट्रांग होल्ड। भाई भाई यार वेट, क्या मतलब कि हम लोग एंड पोर्टल ढूंढ नहीं सकते? एंड पोर्टल ही उड़ा दिए क्या भाई? भाई ये क्या था? ओ ये था। अरे ए मिल गया 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 मिल गया, आ जाओ। ए कहां? इधर 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 आओ। अबे भाई जिसका डर था वही वापस इधर आओ। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? व्हाट बैरियर? अबे ये क्या है? व्हाट बैरियर? चीटिंग भाई, चीटिंग हुई अपने साथ। बैरियर एक सेकंड, अभी नीचे से है क्या? एक सेकंड हाँ नीचे से देखो। इधर से जा नहीं सकता, कहीं से नहीं जा सकते। रुको ना, जमीन के अंदर से रेस्क्यू मिशन करते हैं ना भाई। आ जाओ आ जाओ, देखना बस ये लावा को क्लियर करना है। रुको रुको एक्चुअली हम लोग कर सकते हैं अभी। रुको ओके ओके ओके, लैपिस भाई क्या, कहां से जगह, कहां से जगह बताओ बताओ बताओ, कहां से कहां से? रुको नीचे से देखो देखो। हां ओ ओ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा भाई, नीचे से बंद करने भूल गए क्या ये लोग? हटो पीछे, ये हम आ गए, सच में आ गए क्या? बैरियर के अंदर है भाई हम। वेट वेट दोस्तों, मजा आ गया, मजा ही आ गया। अरे भाई लो कर लो बात। क्या 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 क्या, अरे भाई भूल गया। एपिक दोस्तों, चड्डी गैंग को कोई नहीं रोक सकता भाई। अरे भाई ये क्या है भाई, हेलो रुको रुको रुको। गेम में आओ भाई, पायलट उड़ाने के लिए पैसा
बाप का। अरे पीएसआई आप एंड वॉरेंट आ गए आ गए व्हाट आ गए ओ मैं भी आ गया मैं भी आ गया भाई लेट्स गो इस टाइम पर हमने इस सर्वर का सेकंड सबसे बड़ा रूल तोड़ दिया था तो अभी आप लोग पूछेंगे कि भाई सबसे बड़ा रूल कौन सा है क्या कर दोस्तों भाई मेरे को ड्रैगन को मार के अंडा देने का नहीं नहीं पिए जाए बैन हो जाएंगे यार कैसे बात कर रहे हो इधर इधर ओ माय गॉड का बैन ऐसा कुछ रूल ही नहीं है रूल क्या है कि एंड में एंड तो उन लोगों ने बंद कर रखा है अभी हम घुस चुके तो हमारी मर्जी है अरे अरे पीएसए भाई मार देगा फिर चलो खत्म करते हैं भाई मैं एक जगह में छुपा हुआ हूँ दोस्तों ठीक है अबे साले फट्टू कितना ज्यादा डैमेज हो रहा है पीएसडी भाई हार्ड पे रखता है सर्वर मर रहा है क्या वो नहीं मर रहा है हम मर रहे हैं बस ये कुछ नहीं हो रहा भाई ये कैसा ट्रिक है चलो चलो नॉर्मली मारो यार बात खत्म कर अरे मत उड़ा रे भाई बोल ओ माय गॉड फ्री दैट मेरे को मिली सिर्फ एडवांसमेंट लॉल लेट्स गो लैपिस भाई ये सिंगल एडवांसमेंट होती है भाई पूरे सर्वर में मुझे मिली लेट्स गो रुको ए ड्रैगन एग बार-बार मार इधर मिल जाती है अबे ड्रैगन एग को मत करो उसके साथ गेम मत खेलो गाइस हां गिरा रुको टॉर्च है भाई टॉर्च है चलो लक टेस्ट गाइस मिस्टर देखो गाइस हमने कोई रूल नहीं तोड़ा तो यहाँ पर ये कह कर के हम लोगों ने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने सच में कोई रूल नहीं तोड़ा हमने इस सर्वर का सबसे बड़ा रूल तोड़ दिया था जो कि था एंड फाइट से पहले ड्रैगन एग लेना तो क्या अब हम तीनों बच पाएंगे इस सर्वर में बट उससे पहले क्यों ना इलाइट्रा भी लेके आई जाए भाई जब इतना बड़ा रूल तोड़ ही दिया है तो मिल गई एनसीटी मिल गई एनसीटी मिल गई पर इसमें सिर्फ नहीं भाई शिट शंकर का हमला पीएसडी वन शंकर को मारते हुए और मार दिए शंकर को मार माने चल चलो दोस्तों लूटे भाई ये इनका आवाज है कवर मी विद डायमंड्स हेलो मिस्टर लेफिस ओ एंड में कुछ नहीं लाता एंड में सब चलता है एंड में सब चलता है दोस्तों ये क्या ढूंढ लिया ये तो भाई नेक्स्ट लेवल चीज है भाई तो भाई आज आखिर हो क्या रहा है मेरे हाथों से इल्लीगल पे इल्लीगल चीजें हो जा रही है अब ये इल्लीगल आर्मर हम लोगों ने ले लिया शायद ये लोग एंड में उस चीज को बैन करना ही भूल गए शिट ब्रो तो उसके बाद हम लोग वापस निकल जाते हैं इलाइट्रा वाले एंड सिटी ढूंढने में मिली 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 क्या भाई यार एक शिप नहीं मिल रही यार मिली भाई अरे भाई रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी ना सर मिल गई ये लूट चाहिए शेल्कर का बाद में देखेंगे भाई सर रूम मिला है मैं आ गया ऊपर आ गया भाई ये रूम में कुछ नहीं है भाई चमन लाल रूम ओ स्ट्रीट टच मिल गया मेरे को ये गाइस लाइटर उठ नहीं रहा है कुछ तो हो सकता है ना डॉक्टर साहब इक्विप करा देंगे सीधा डिस्पेंसर से लगा के तो यार हॉपर में पीओपी हॉपर है क्या तीन है बस हां मेरे पास दो है दे बनाओ ए उठा लिया ओ ओ मिस्टर गायब हो गया अरे भाई कैसे उठाया इसके ऊपर के अंदर डाला उठाया और गायब हो गया गाइस मैं मरने वाला हूँ गिर गया मैं नीचे गिर गया वॉइड में गिर गया पानी डाल दिया नहीं 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 वॉइड में नहीं गिरा उस पर ही हूँ सिप पे ही हूँ मैं वो मेरे पास रिप्ले भी और बॉट में चैट में डालता हूँ इधर से आगे जा नहीं सक रहा हूँ ब्रोस ब्रो आई एम प्लीज समबडी सेव मी देखेंगे लैपिस का गाइस मैं राम भरोसे ज्वाइन करूँ क्या बचा तो बचा नहीं तो खत्म अरे भाई मार देना ना अगर मेरे पास देखो ज्वाइन करने से पहले मैं नीचे पहुंच जाऊंगा मुझे इतना यकीन है मैं तो अब नीचे आ चुका हूं नो रेस्क्यू फ्रॉम माय साइड अरे यार छोड़ो जो होगा देखा जाएगा जय बजरंगबली कर सकते हो मिस्टर मरा वो गिरे नहीं मरे मर गए चाहते तो मुझे बचा सकते थे मेरे को समझ नहीं आता भाई रेस्क्यू वगैरह मेरे बस की बात नहीं है भाई भाई मिस्टर लैपिस ने पीएसडी भाई को 6-7 बार बचाया ठीक है मेरी जगह पे लैपिस होता तो बचा लेता जब हम लोगों ने ड्रैगन एग लिया था उसके 2-3 घंटे बाद हम लोग को ये एनसीटी मिली थी एंड जैसे मैं यहाँ पर मरता हूँ सर्वर में एवरीवन बीइंग होता है वो अर्जेंट मीटिंग पता है किस लिए थी आयरन अनलॉक करने के लिए यस लापता एसएमपी में हम लोग स्टार्टिंग के 15 डेज लेदर में गुजारेंगे एंड उसके बाद आयरन डायमंड एंड नेदरराइट तो ड्रैगन एग चोरी करे हुए हमको 4-5 दिन हो चुके हैं और तभी पीएसडीआई बोलते हैं कि उस ड्रैगन एग को चेस्ट से निकाल के एंडर चेस्ट में रख देते हैं क्योंकि वो चेस्ट में ज्यादा सिक्योर नहीं है और जब हम ड्रैगन एग को लेने के लिए वहां जाते हैं तो वहां पर ड्रैगन एग नहीं होता
और मुझे लगता है कि हमने इतनी मेहनत से ड्रैगन एग को पाया था, वो भी एक इलीगल तरीके से उसे हमने खो दिया था। जिस ड्रैगन एग को हमने चुराया था उसे हमसे किसी ने चुरा लिया था, पर शायद ऐसा नहीं था क्योंकि हमारा एक और टीममेट था डीओपी, तो मुझे लगता है कि शायद वो ड्रैगन एग डीओपी ने लिया होगा। ड्रैगन एग है? अरे मेरे पास नहीं है भाई ड्रैगन एग, मैं तो वही दिन था आपके साथ, फिर मैंने गेम में भी नहीं किया था लॉगिन। हेलो, मैं अभी डीओपी के पास से आया। क्या बोला हो? उसके पास नहीं है ड्रैगन एग। भाई कहाँ गायब करवा दिया? एक सेकंड, आपके पास उस समय का रिप्ले है? रिप्ले नहीं, नहीं है भाई, नहीं है। What? मैंने भी रिप्ले ऑन नहीं किया था, डीओपी से तो क्या ही एक्सपेक्ट करना। पूछ लो उसको भी एक बार रिप्ले का। किसी बुलाओ उसको? बुलाओ बुलाओ। हेलो गाइस। हेलो भाई, पास रिप्ले है क्या उस टाइम का जब मैंने ड्रैगन एग छुपाया था? एक मिनट, सिर्फ दो ही लोग थे इस सर्वर में जिनको पता था वो ड्रैगन एग का एक लैपिस। अरे है मेरे पास रिप्ले, है मेरे पास। रुको मैं रिप्ले भेज रहा हूँ भाई, देख लेना। और हम लोग यहाँ पे खड़े थे टाइम पास, मतलब डीओपी चला गया था। अभी हम यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ पर गए थे हम नीचे। हाँ। यहाँ पर हम लोगों ने ड्रैगन एग छुपाया था। है नहीं ना कोई पास में? दीपू भाई जासूस है भाई। एक सेकंड भाई नहीं, पर वो ऐसा दिख नहीं रहे, वो दूर है सर। नहीं दूर है, ये पास है, यहाँ पे बहुत दूर है भाई। देखो वहाँ पर हम दूसरी साइड पे ना, ये वाली साइड पे। व्हाट? तो हमको ये तो पता चल चुका था कि हमारा ड्रैगन एग इस सर्वर के सबसे मासूम प्लेयर दीपू भाई ने चुराया था। तो मैं उनके पास जाता हूँ और कहता हूँ कि मेरे को मेरा ड्रैगन एग वापस चाहिए, तो मुझे लगा वो दे देंगे इजीली या फिर एक दो हर्ट मांगेंगे, पर मुझे नहीं पता था दीपू भाई ये मांगे। चलो मुझे 20 एंचेंटेड एप्पल दे दे। मजाक कर रहे हो दीपू भाई, पता आपने क्या मांगा है? 20 नॉच। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि सिर्फ 20 नॉच ही तो मांगे हैं, क्योंकि लापता एसएमपी सीजन 5 का बॉर्डर 4000x4000 ब्लॉक्स तक का ही है, उसके बाहर हम लोग जा नहीं सकते। और आप लोगों को पता हो कि हम लोग एंचेंटेड एप्पल क्राफ्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब जितने सर्वर में है सिर्फ हम उतने ही यूज कर सकते हैं। और अगर वर्ल्ड बॉर्डर छोटा है तो पूरा सर्वर जो है लूट चुका है, तो मेरे को एक एंचेंटेड एप्पल नहीं मिलने वाला पूरे सर्वर में। भाई 20 नॉच लाने सर्वर में पता है ना कितना हार्ड है, पहले तो इस सर्वर में लगता है 20 नॉच होंगे भी नहीं, इतना बॉर्डर है। वो मुझे नहीं पता, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं 5 लाख तुम चलोगे? चलेगा? 5 तो ऐसे ही मिल जाएंगे इधर घूम के। चलो 20 नहीं दे सकते तो 10 तो दे ही दो, 10 से कम नहीं दे पाते। 10 देखो, 10 काफी कम है फिर भी। ठीक है दीपाई, मैं 10 करूंगा। ओके लेके आ जाऊं, मैं दे दूं। तो दीपाई को मैंने 10 एंचेंटेड एप्पल पर मना तो लिया था, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो 10वीं मैं कहां से लाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ 3 एंचेंटेड एप्पल है जो कि मैंने सर्वर के फर्स्ट डे में ढूंढे थे। और अगर मैं किसी को मांगने गया तो सब मुझे सीधा लात मार के भगा देंगे, निकल। पर मेरे पास एक अच्छा प्लान था। आप लोग मानो कि आपका एनिमी का बेस एक ऑक्सीजन रूम से बना हुआ है और एक डर्ट रूम से, तो आप लोग एनिमी के किस बेस में जाओगे? ऑफ कोर्स डर्ट, क्योंकि आप वहां पर ट्रैप नहीं हो सकते। एंड इसी चीज का मैं फायदा उठाऊंगा, मैं बनाऊंगा डर्ट का प्रिजन। उसके बाद मैं घंटों तक मेहनत करता हूँ यूट्यूब पर ढूंढ आने का कुछ तो लेके आता हूँ, एंड फाइनली मैंने ये बनाया। यस, अगर इसके अंदर एक बार कोई बंदा गया तो वो कभी निकल नहीं सकता, मतलब जब तक उसके बाहर वाला बंदा ना निकाले। तभी क्या लापता से आयरन चल रहा था, आयरन की शॉवल होगी, हम लोग आयरन की शॉवल से खोद नहीं सकते। और मैं यहाँ पर डूब के मर भी नहीं सकता क्योंकि कॉन्ड्यूट पावर है, और कॉन्ड्यूट पावर से हम लोग वाटर में इन्फिनाइट सांस ले सकते हैं, इसका मतलब हम लोग कभी भी ड्राउन होकर नहीं मरेंगे। हाँ, जैसे कि एरो लगा मेरे को, ऐसे करके एट दी एंड बंदा कोई ना कोई तो मर ही जाएगा, तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे यहाँ पर बीकन। यस, अगर मैं यहाँ पर एक बार बीकन लगा देता हूँ, एक बार कोई बंदा इसके अंदर गया जब तक वो मुझे एंचेंटेड एप्पल नहीं देगा तब तक मैं उसे नहीं निकालने वाला। इस प्रिजन को बिल्ड करने के लिए मेरे को सबसे पहले चाहिए एक बीकन, और आप लोगों को पता है बीकन के लिए हमको मारना पड़ता है विदर को, और विदर मारते हुए लोग नेदरराइट के आर्मर में मर जाते हैं, मैं तो फिर भी आयरन के आर्मर में हूँ। मर गया, मैं पूरा विदर मार दिया, एंड उसके इफेक्ट का ध्यान रखना भूल गया और खाना भी नहीं खाया और मर गया। बीकन तो बना सकता हूँ, और अपना नेक्स्ट आइटम था वो था कॉन्ड्यूट। कॉन्ड्यूट बनाने के लिए हमको चाहिए 8 न्यूट्रियल सेल बोलते आई थिंक उनको, एंड 1 हर्ट ऑफ द सी। तो जो मेन चीज थी हर्ट ऑफ द सी वो तो मेरे पास था, बस मेरे को 8 वो सेल जमा करने थे, तो उसके लिए मैं जाता हूँ समुद्र में ड्राउन को मारना स्टार्ट करता हूँ। एंड ये प्रिजन में ओशन मोनुमेंट के पास ही बनाने वाला था, ताकि किसी को ये सकना हो कि यहाँ पे मेरे को माइनिंग पेटी क्यों मिल रहा है। फाइनली भाई ओशन मोनुमेंट मिल गया मेरे को। मैं तब से मतलब पूरी रात, ठीक है पूरा रात मैं गेम ही खेल रहा था सिर्फ, तो अपना ये काम भी हो चुका है, अपने को ये भी मिल चुका है, बस यहाँ पर अब बिल्ड करना है हम लोगों को प्रिजन। मैं इधर बहुत देर से एक गाय ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरे को मिल्क मिल जाए, पर वो तो मिला नहीं। पर उसके अलावा छोड़ो उसको, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बहुत सारी वुड कलेक्ट करता हूँ ताकि साइन बोर्ड बना सके एंड अपना प्रिजन रेडी कर दे पहले बना के। बट एक प्रॉब्लम है कि बीकन बनाने के लिए आयरन नहीं है। तो
तो फिर गाइस मैंने यहाँ पर इतना आयरन माइन कर लिया एंड मेरे को अभी जस्ट अभी रियलाइज हुआ कि मैं इतना आयरन माइन कर के रहा हूँ। मैं ऐसे में किसी से भी खरीद सकता हूँ आयरन, तो किसी के पास भी मिल जाएगा। तो स्टीव ज्यादा बीसी में चलते हैं, उससे पूछते हैं उसके पास आयरन है कि नहीं। हेलो स्टीव, मैं कह रहा था मेरे को एक बीकन लाइक आयरन चाहिए, मतलब थोड़ा कम पर मिलेगा क्या? बीकन लाइक क्या मिलेगा मुझे, क्या चाहिए तुमको? देखो मैं अभी कभी आयरन फार्म बना सकता हूँ आपके लिए, जाकर वैसे ढूंढ के लिए माइन करके लेकर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन इसमें जाएगा मेरा टाइम है ना। हाँ टाइम मिलते हैं नहीं, चाहिए क्या तुमको? मुझे हार्ड चाहिए, दे दूंगा। तो चाहिए माइन कर लो आप, थैंक यू सो मच। एक जब तक स्टीव आयरन माइन करके ला रहा है, तब तक मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं बंदे ट्रैप कैसे करने वाला हूं। तो बात ऐसे करो, मैंने एक बंदा ट्रैप किया तो उसे उसका टीममेट बाहर से छुड़ा लेगा, इसलिए मुझे पूरी की पूरी टीम को ट्रैप करना पड़ेगा। तो अपनी असेंबली में बताता हूँ कितनी टीम है। सबसे पहले निज गेमर की टीम जिसमें ओपीओ स्टीव और निज गेमर, सेकंड टीम सेनपाई की जिसमें सेनपाई जेडजोर और रेक्स है, एंड एक हमारी टीम जिसमें पीएसडी भाई मैं और डीओपी। तो टोटल तीन टीमें हो चुकी है, बट अभी भी एक बंदा बाकी है जो कि दीप भाई, जिन्होंने हमारा ड्रैगन एग दिया है, वो अकेले रहते हैं पूरे सर्वर। तो सेनपाई की टीम में से जो जेडजोर है वो ऑफलाइन रहता है, तो उसको तो हम नहीं गिनते हैं बच्चे, वो लोग दो। इन सबसे पहले ट्रैप करने वाला हूं मैं निज गेमर की टीम को, जिसमें से मैं फर्स्ट टारगेट होगा मेरा ओपीओ गेमर। तो देखो ओपीओ गेमर के पास इस एसएमपी में सबसे कम दिल है जो कि उसके पास 4 दिल, और अगर मैंने उसे हर्ट्स का लालच दिया तो भगते भगते कहीं भी जाएगा, बट अगर मैंने दिया तो वो कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए मैं उसके भाई के पास जाता हूँ इट्स जीजी, जो कि उसके साथ ही रहता है, एंड मैं उसको ये कॉर्ड देता हूँ, उसको बोलता हूँ कि तू ओपीओ को बोले कि ओपीओ इन वाले कॉर्ड्स में जा, किसी का बेस है यहाँ पे, तेरे को बहुत सारा सामान मिल सकता है, एंड इट्स जीजी मान जाता है ये करने के लिए। Moments later. बस ओपीओ को यहाँ तक अंदर पहुँचते पहुँचते माइनिंग फटिक लग जाए तो अपना काम हो जाएगा। आ रहे आ रहे आ रहे, ओके देख रहा है देख रहा है, लेटर देख रहा है। डीओपी स्टेटस कर, डीओपी स्टेटस जल्दी, अबे कर रहा चूरन। ओके नाइस नाइस, बस क्या जी जी जी, इंटरनेट काटो जी जी, इसका इंटरनेट काटो जल्दी। ओके लेट्स गो तो अभी आप लोग यहाँ पर सोचेंगे आखिर ये सब हो क्या रहा है, इट्स जीजी इंटरनेट भी काट रहा है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि कोई बंदा अगर एक बार इसके अंदर फंस गया और वो अपने टीममेट को बता दिया तो ना तो मैं उसे ट्रैप कर पाऊंगा और बल्कि उल्टा वो इसे बचा के ले जाएगा। तो मैंने इट्स जीजी से बात कर रखी, जैसे मैं इसे ट्रैप में डालूंगा वो उसके इंटरनेट वायर कट करते ताकि वो इस ट्रैप के अंदर परमानेंट ट्रैप भी हो जाए और वो किसी को बता भी ना पाए, क्योंकि ओपीओ के बाद पाकिस्तान में रहता तो वो नॉर्मल कॉल तो नहीं कर सकता था और उसके पास इंटरनेट नहीं था, तो वो अपने टीममेट से कैसे भी कनेक्ट नहीं हो सकता था। और मैं भी ओपीओ के साथ उसी प्रिजन में जाने वाला था, तो मैं भी ओपीओ के साथ ट्रैप हो जाता, इसलिए मैंने अपना स्टेटस चेंबर लगाया था उसी के नीचे जहाँ पर डीओपी बैठा हुआ था। हेलो स्टीवी, एक और काम था आपसे। अरे पेमेंट दूंगा ना, पेमेंट दूंगा ना, हार्ट मिलेगा ना? हाँ बिल्कुल। अरे क्या सुनो सुनो, मैंने रेडस्टोन का डोर बनाया ठीक है, पर वो काम नहीं कर रहा है। भैया आना है? नहीं वहाँ नहीं, वहाँ पे तो हाँ बस थोड़ा दूर है बस। मैं आपको कॉल देता हूँ 1700 एंड 1200 पे पहुँचे, मैं वहीं पहुँच रहा हूँ ठीक है। देखो भाई दूसरी बार काम करवा, दो हट लूंगा इस बार भाई, ये दो हट भाई ज्यादा हो जाएगा। चलो ठीक है, एक हाँ ठीक है भाई, आ जाओ। एंड यस अपना नेक्स्ट टारगेट था स्टीवी, ओके डीओ भी परमानेंट डाल दिया, स्टीवी आने वाला हो ठीक है। करना क्या वैसे जी? अरे वो आयरन का डोर जो बनाया ना मैंने, मतलब रेड स्टोन का, वो फिक्स करना है भाई। साइड में मॉन्यूमेंट है, इधर रेड स्टोन बनाना है। स्टूपी स्टेटस कर, कर रहा हूँ जल्दी कर। अरे कर दिया, ओ, कर लेट्स दिया गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। हेलो स्टीवी, हेलो ब्रो, यू आर ट्रैप्ड भाई। मैं तुमसे कुछ नहीं कर रहा ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं कर रहा, वो मैं कहूंगा बात को। अभी बस तुम ना ऐसा करो, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं स्टीवी, तुम सुन, यही तो मेरे को बोलना है कि तुमको निज गेमर को नहीं बताना है, एंड तुमको अगले 2-3 घंटे तक या 4-5 घंटे तक गेम लीव रखना है, गेम नहीं है। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो अपना डीएम देखो, मैं इसे पब्लिक कर दूंगा। ऐसा क्या धमाका है भाई? भाई क्या आप चाहते हो कि मैं इसे पब्लिक करूं? ऐसा क्या है इस टीवी भाई? अगर आप नहीं चाहते ना मैं उसे पब्लिक करूं तो अभी के अभी गेम लीव कर दो, एंड निज गेमर को गलती से भी पता नहीं लगना चाहिए ठीक है। अगर निज गेमर को पता लग गया मैं इंस्टेंट इसे पब्लिक कर दूंगा ठीक है। तो गाइस मैंने जस्ट रियलाइज किया कि मैंने अभी तक उसके अंदर हॉपर नहीं लगाए, एंड हॉपर लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ताकि वो उसके अंदर जेटेड एप्पल गिरा सके। हेलो निज गेमर, हेलो। नहीं कुछ नहीं कह रहा, कुछ नहीं कह रहा, इसी चीज का आज मैं खत्म करने आया हूँ, इसी चीज को ये देखते ही मारने वाली चीज है। देखो सीजन 1, 2, 3, 4 हम हमेशा आती है मेरे को, हाँ हम हमेशा एक दूसरे के अपोनेंट में रहे। सीजन 1 में कोई दुश्मन होता नहीं था तो बनाना पड़ता था आपको ना। इसीलिए मैं आपको अपनी तरफ से अपनी दोस्ती की स्टार्टिंग में मैं आपको
पांच दिल भेंट देना चाहता हूँ। पांच दिल में तुम्हें पूरी एसएमपी खरीद सकता था, ये तो फिर भी नहीं इस गेमर थे। ये कौन सी चीज है लैपिस भाई की, पैसे दिए और चलो मेरे साथ? ये मैं क्या क्या समझ रहे हो आप, गलत जगह पे आए आप। गो टू जीबी नोट्स। मैं तो बस दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था भाई, कोई बात नहीं। अरे आ रहा हूँ। किधर जाना है? इमोशनल डैमेज। तो निस गेमर पहुंच गए हम लोग। मेरा वाटर बल, ओ देख रहे हो जिगर निकल लगा रखा है ना, बेस पास आओ। देखो वो थोड़ा सिक्योरिटी वाला बेस है, मतलब वो माइनिंग हटी करना लगेगा आपको, तो करने की जरूरत नहीं। दिख गया मुझे वो अश्विन मैन अंशुल मैनुमेंट। आओ निस गेमर आओ। आ रहा हूँ। आप पहले जाओ ना सर, मैं तो बचा ही रहा हूँ। ये क्या है? अरे मैं घुट के मर जाऊंगा, जगह है। लेट्स गो। नहीं जाना है मेरे को, बेस में लेके जाओ। बिल्कुल आपको बेस पे लेके जाएंगे। यस डीओपी। अच्छा मुझे हेलो डीओपी भाई। हेलो भाई। ओ आप अकेले हो क्या? अकेले हूँ मैं तो। अपने दोनों टीममेट से बोलो जरा, वो आपको छुड़ाने आए हैं। मदद के लिए बुलाओ। मदद के लिए बुलाओ यार, ऐसा क्या कर रहे हो? अरे मुझे उन पे पूरा विश्वास है, वो पहले ही आ चुके होंगे शायद। तो देखो फुल ट्रस्ट है भाई। रुको, ज्वाइन करने को बोलता है। हेलो चंगू मंगू। हेलो गाइस। कर रहे हो हेलो। तुम लोग अगर यहाँ थे मेरे को बुलाना जरूरी था क्या भाई? मेरे भाई ने धोखा मेरे को देने। भाई ने धोखा बुलाता कैसे आपको? फिर से आंदे भाई, तेरा दुख ज्यादा है भाई। भाई गाइस देखो मैं आपको मारूंगा नहीं, ठीक है? मैं किसी को नहीं मारने, मैंने किसी को मारने के लिए इधर प्रिजन में डाला। मैंने वहाँ पर एक एंट्रेंस दिख रही है आप लोगों को? हाँ दिख रही है। एक बीच में होपर भी दिख रहा होगा। हाँ आपके पास जितनी भी एंट्रेंस में इंटेंटेड एप्पल है ना, वो शांति से निकालो और होपर के अंदर डालो। लैपिस भाई हम गरीबों को देख के, अरे कहाँ जा रहे हैं एंटरटेनमेंट निकाले हुए साले? हमको नहीं एंटर, हमको नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूँ इज्जत से डाल दो भाई, नहीं तो फर्स्ट पड़े रहोगे। सुनो हम पे कहाँ भाई, हमारी शक्लें दिख के लग रही है। बिल्कुल। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को नहीं डालना है ना, मत डालो, क्योंकि आपका कोई भी टीममेट नहीं बचा इस प्रिजन से निकालने के लिए। पूरा सीजन यही गुजारा था आपको। एंड इसके बाद ये लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, लिटरली बहुत ज्यादा। अगर उस पार्ट का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊ ना, वो बन जाएगा 40 मिनट का। अरे भाई पांच मैंने दे दिया भाई। ओ अबे यार इतने लालची हो तुम लोग। हाँ हम लोग लालची तो है, बट जब हम यहाँ से जा रहे होते ना, तब कुछ खतरनाक पता लगता है। कल मिलते हैं, बाय बाय। मेरे को क्यों मार रहा है? मेरे को क्यों मार रहा है? अच्छा आप बाहर आके मारूंगा बता रहा हूँ मैं। अच्छा मर के नहीं आ सकते क्या बाहर यहाँ से? हाँ हाँ, अगर उसके अंदर तीन लोग हैं तो वो एक दूसरे को तो मार के निकल सकते हैं ना, बट ये बात उन लोगों को लेट पता चली। अभी तो कुछ नहीं कर सकते, हमको एंचेंटेड एप्पल मिल चुके हैं। मेरे पास अभी टोटल हो चुके हैं 8 एंचेंटेड एप्पल, सिर्फ बाकी हैं। तो अभी बारी थी सेनपाई स्पाइडर की। ये सर्वर का सबसे डेडलीस्ट प्लेयर है, एंड अगर इसने किसी को मारना स्टार्ट कर दिया तो ये उसको पूरा मारेगा नहीं, तब तक इसको चैन नहीं मिलता। एंड सब इसको पीवीपी गॉड बोलते हैं, यही इसकी कमजोरी है। आप लोग देखते जाओ मैं इसकी इस पावर का यूज कैसे करने वाला हूँ। ओके डीओपी में उनके बेस के पास पहुंच चुका हूँ। वो भाई उन लोगों की सेकंड लेयर वो दिख रही है, मतलब वो लोग बेस पर तो है। एंड डीओपी यहाँ पर कुत्ता है, मैं मारू क्या? अगर वीवर को ये नहीं लगता मारो जल्दी मारो और सीधा भाग लो, ठीक है? ठीक है फिर वो पीछा करेंगे, मैं वहीं पर। ये कुत्ता टेलीपोर्ट कर गया। मारा व्हाट कुत्ता? अरे मैं पोर्टल में जा रहा हूँ, मैं पोर्टल में जा रहा हूँ। डीवाइस अंदर मेरे सामने, सेंपाई मेरे सामने, सेंपाई ने मार दिया मेरे को, एक हिट मारा सेंपाई। चैट में लिखा उसने, चैट में लिखा। मैं जा रहा हूँ, अभी तक आएंगे। सेंपाई मेरे पीछे, आने जाने जाने लाने जाओ इसको। मैं आ रहा हूँ, मैं पहुंच जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। मैंने सीट लगा ली। और जब बाहर आ गया, जल्दी आओ। बस बोलूंगा मेरे पीछे आ जा, बस अपना काम हो जाएगा। मेरे पीछे दरियो की, मेरे पीछे मैं पहुंच गया। राइट साइड में रुक जाने दे। हेलो सेनपाई। हेलो गाइस।
कैसा लग रहा है एक सिंपल से प्रिजन में फंस के? सिंपल प्रिजन तो है बट यहाँ पे एक वाटर कॉलम मैंने बना लिया अपने लिए, सो चिल कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। मैंने आपको इस प्रिजन में बस एक छोटे से काम के लिए फंसाया, एक छोटा सा काम। बताओ बताओ। मुझे दो एन्चेंटेड एप्पल चाहिए बस, दो एन्चेंटेड एप्पल। थोड़ी देर बैठूंगा इधर, रेक्सी आके निकाल देगा मुझे या मैं खुद निकल जाऊंगा। माइनिंग फटीग हमेशा तो नहीं रहेगा, कभी कभी टूटेंगे ये ब्लॉक्स। वही बात है कि माइनिंग फटीग तुरंत लगता रहता है और बस एक ही प्रॉब्लम है कि रेक्सी नहीं फंसाना। लड़ने से मेरे को पता है कुछ फायदा नहीं होगा एंड आपको रेक्सी आके बचा ही लेगा जितना मुझे पता है। मैं आपको दो एन्चेंटेड एप्पल के बदले पे करने के लिए तैयार हूँ अगर आप मुझे दो तो, उसके बदले जो आपको चाहिए मैं दूंगा। ठीक है आई गेस, हाँ कर सकते हैं आई गेस। ओके फाइव हार्ट्स में डन करते हैं ये डील। लापस पांच दिल भाई, मैं देते गरीब हो जाऊंगा। देखो भाई दो नॉच मिल रहे हैं और क्या चाहिए। एंड फिर से इधर वापस से वही बहुत देर तक चलता रहता है, इसकी एक अलग से वीडियो बनाओ तो फिर से एक घंटे की एक और वीडियो बन जाएगी। तो एट दी एंड कुछ ऐसा फाइनल होता है एंड पहले आप एक इसके अंदर ओ डाल दिया, दे लिया क्या? ले लिया क्या? ये लो हां ले लिया भाई। चड्डी गैंग, चड्डी गैंग डील में पक्की है। तो मैंने अपने तीन अटैक किए तो यहाँ पर अपने टोटल कलेक्ट हो चुके थे 10 नॉच एप्पल और अभी बारी थी अपना ड्रैगन एग वापस लेने की। लेने वाले हैं ड्रैगन एग फ्रॉम इट्स डीपी। ज्वाइन करो भाई, कहां चुपके बैठे हो? गेम में नहीं हो? वाओ अरे स्पॉन में ये जॉइन किया। ए ये रे, हेलो दीपू भाई, क्या कर रहे थे मेरे सामने? मुझे थोड़ी पता था आप यहाँ पर हो, तो बहुत बार हुआ मेरे साथ। ओके ओके निकालो निकालो, लिया है। यस ये रे मेरे 10 एन्चेंटेड एप्पल, मेरा ड्रैगन है। पहले दिखाओ 10 ए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अबे 10 तो फिर पूरे। हेलो एंडर चेस्ट तक नहीं है भाई, ये लो रखो। रो भाई ये दीपू भाई, दो 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 ये ड्रैगन है बट पहले मुझे दो। लेने का शौक है भाई? अरे एन्चेंटेड एप्पल ये लो, जल्दी निकालो भाई। किसका? व्हाट हे व्हाट? तो आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ पर ड्रैगन एग जल चुका है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो ड्रैगन एग के जलने से पहले मैंने ड्रैगन एग को उठा लिया था और सीजन 4 की तरह सीजन 5 में भी ड्रैगन एग को पा लिया था और बन चुका था सीजन 5 का रिचेस्ट प्लेयर। और अभी फिर से यार मेरे पास कुछ भी करने को बचा ही नहीं, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ क्रेजी किया जाए। मैं डिसाइड करता हूँ एक ऐसे प्लेयर को ट्रैप करने का जिसको आज तक कोई ट्रैप नहीं कर पाया और जिसने भी आज तक ट्रैप करने की कोशिश की उसने कभी वीडियो नहीं डाली क्योंकि वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। कौन है ऐसा प्लेयर जिसको आज तक कोई ट्रैप नहीं कर पाया? वो प्लेयर है PSD1। पास्ट में जितनी बार भी PSD1 ट्रैप हुए उन्होंने हर एक ट्रैप को स्केप किया है और मैक्सिमम ट्रैप को स्केप करने में मैंने ही उनकी हेल्प की है, बट आज मैं ही उनको ट्रैप करने वाला हूँ। बट देखो PSD1 ने बहुत सारे ट्रैप को स्केप किया है, तो फिर आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रैप बनाना सिखाऊंगा जिसमें आप डेडलीस्ट से डेडलीस्ट प्लेयर को इजीली मार सकते हो। ओके तो अभी बारी है हमारी ट्रैप को टेस्ट करने की। बना नहीं भाई, तो अपना ट्रैप में तो भूकाला हो चुका था, पर तभी बीसी में आते हैं हमारे गेम बीट भाई। हेलो लेपिस भाई, और वो मुझे कुछ ऐसा बोलते हैं उसे सुनने के बाद मन करता है कि मैं गेम बीट का गला ही दबा दूं। तो एक ड्रिपस्टोन से भी तो काम हो जाएगा भाई। उस टाइम में मैंने एक ही चीज अच्छी की जो कि थी इंस्टेंट डैमेज के पोशन, क्योंकि नीचे गिरने का बाय चांस एक दो हार्ट रह भी गए तो उससे डैमेज पड़ेगा खत्म हो जाएंगे। पर वो पोशन बनाने के लिए मेरे को ड्रैगन की ब्रेथ चाहिए। ओके तो अपनी ब्रेथ हो चुकी है कलेक्ट, ये सेकंड लास्ट क्रिस्टल, ये लास्ट क्रिस्टल और ये मरा ड्रैगन। व्हाट टीओपी? अभी तो जस्ट मैंने PSD1 को ट्रैप करने का सोचा है, उतने में इनके दोनों चमचे आ भी गए। पर इन लोगों को चाहिए का एक बार पूछ लेते हैं। इसी लैपिस भाई, भाई लोगों का क्या है? एक सेकंड। हेलो लैपिस भाई। अबे भाई रुक जा भाई, ये तो बता क्यों ट्रैप किया है? हेलो तो इन लोगों ने मुझे ऑब्सिडियन के रूम में ट्रैप कर लिया था, इनको लगता था कि ये मुझे ट्रैप करके रोक सकते हैं। ये क्या है, ये क्या है बदतमीजी? ए लैपिस भाई चलो भाई 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 निकलो भाई। कहीं आप लोग को ये तो नहीं लग रहा कि मैं यहाँ से बच के निकल चुका हूँ? मेरी इन्वेंटरी में एक भी पल नहीं है। लैपिस भाई कहाँ भाग के जाओगे? अबे भाई हेलो, माइनिंग करने जा रहे हो क्या? अरे बोरे ना बोरे 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 नीचे है। वेट 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 वेट, मुझे नेम टैग दिख रहा है यहाँ से। गॉड ऑफ चीटिंग, अरे कहाँ जाओगे लैपिस भाई? द गॉड ऑफ चीटिंग, अरे हाँ ए चीटर साले। एक तो यार मेरे पिकैक्स में ये नहीं है जो भी कहते हैं फटीक वटीक। हाँ व्हाट एंड क्रिस्टल, एंड क्रिस्टल दोनों साथ में नहीं आए भाई, दोनों साथ में आते ना दोनों खत्म हो जाते भाई। एंड क्रिस्टल सही में
डीओपी के मरने का इसके भी डीओपी पे ध्यान देता है और उसके बाद में बच के निकल जाता हूँ। और अभी बारी है उस ट्रैप को बिल्ड करने की, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम वो ड्रिपस्टोन का ट्रैप बनाएंगे किधर, क्योंकि पीएसवाई से हर जगह तो आ नहीं जाएंगे। तो मेरा ये घर टूट गया था तो फिर मैंने एक पहाड़ के अंदर खोद के घर बनाया हूँ नया वाला। ये क्या? यस, तो इधर दबाना है तो नॉर्मली ये खुलता है, बट आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे पूरा जमीन खिसके और नीचे ड्रिपस्टोन में गिर जाए। आइडिया तो अच्छा है, बट कॉपी इसके लिए पूरा फ्लोर हटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन दो ब्लॉक से भी काम हो जाएगा। उसके बाद में मैं उस स्टोर को एक ट्रैप में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि रिपीटर कैसे काम करता है। फटाफट से इस ट्रैप को कंप्लीट करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ अपना लापता का बेस। कितने दिन हो गए आप बनाया बेस, तुमने कहाँ पे हो? हाँ बनाया था भाई, इधर फोड़ दिया किसी ने आके, ये देखो कितना मस्त बनाया था। ये रहा यो, आज नया बनाया मैं। तो पीएसडी भाई वेलकम टू माय बेस, आप करो इसका उद्घाटन। कॉपी भाई मजा कर रहा था पीएसडी भाई। हेलो कॉपी भाई, कैसे बच गए? क्या पता भाई, मरे ही नहीं, अंदर तो गए थे इधर से मस्त, मतलब नीचे गिरे थे पर उसका मरे नहीं क्या? अरे भाई गिरे थे भाई। यार मेरा ये प्लान तो बहुत बुरी तरह फेल हो गया। अभी मेरा काम ये छोटे मोटे प्लान से नहीं होगा, अभी जरूरत है मुझे एक मास्टर प्लान की। तो देखो इस बार हम लोगों ने पीएसजीआई को ड्रिपस्टोन के ऊपर गिराया था तो पीएसजीआई बचे ना, और अगर ड्रिपस्टोन पीएसजीआई के ऊपर गिरेगा तो वो कैसे बचेंगे फिर? एक बड़े ग्राउंड में पीएसजीआई के ऊपर इस ड्रिपस्टोन के गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यही कोई 0.00001%। बट अगर यहीं पर मैं इस एक की जगह पर 10,000 ड्रिपस्टोन लगाता हूँ तो पीएसजीआई का यहाँ पे मरना 100% कन्फर्म है ना। यस अभी हम लोग लाएंगे 10,000 ड्रिपस्टोन, वो भी लापता के स्पॉन पर। बट उससे पहले हमें 10,000 ड्रिपस्टोन कलेक्ट भी तो करने पड़ेंगे। ओके तो हमारे 10,000 ड्रिपस्टोन तो कलेक्ट हो चुके हैं और अभी बारी है उस ट्रैप को बिल्ड करने की। तो देखो मैं नहीं चाहता कि पीएसवाई गलती से भी बचे कैसे भी करके, ठीक है? अगर मान लो पीएसवाई आए और यहाँ पर नीचे निकल लिए, इसके नीचे आ गए और उनके ऊपर ड्रिपस्टोन गिराई नहीं, तो वो पोपट हो जाएगा ना अपने साथ। तो हम लोग इतना एरिया सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर कोई भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए, जो कि अपने सर पर छत बनाए। इन पेड़ों को काटो, इनकी कोई जरूरत नहीं अभी। ब्रो मैं उन ड्रिपस्टोन को गिराऊंगा कैसे? अभी ये तो सोचा ही नहीं मैंने। अगर मैंने यहाँ ड्रिपस्टोन लगाया तो मुझे इसे गिराने के लिए इस ब्लॉक को तोड़ना पड़ेगा ताकि ये नीचे गिरे। तो अगर मैंने यहाँ पर पूरे में 1,000 ब्लॉक प्लेस करे तो 1,000 ब्लॉक को मैं एक साथ कैसे तोड़ूंगा? और इस वाले ब्लॉक को अगर मैं पिस्टन से खिसकाऊं, अगर ये गिर गया तो मेरे पास एक जुगाड़ है। यस यस गिर गया। ये मानो गाइस इन सबके नीचे पॉइंटेड ड्रिपस्टोन लगे हुए हैं, ठीक है? और अभी मैं यहाँ पर इस रेडस्टोन ब्लॉक को प्लेस करूंगा। अगर एंड तक के पिस्टन काम करते हैं, यही सेम कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पूरे में रिपीट करना है। 3, 2, 1 यस, सभी एक एक ब्लॉक खिसकाए। अबे शिट नहीं, भाई अभी तो ये इतना ही बना और पिस्टन लगाने में जो हालत टाइट हो रही है भाई, इनका डायरेक्शन देख के लगाना पड़ता है एक तो। पर कोई नहीं, अगर पीएसजीआई को ट्रैप करना है तो बनाना तो पड़ेगा। ओके गाइस तो पूरा रेडस्टोन और कॉबलस्टोन का काम खत्म हो चुका है, अभी बस एक लास्ट काम बाकी है इस मशीन में, जो किया है ड्रिपस्टोन लगाना। और ये काम कॉबलस्टोन लगाने से भी ज्यादा हार्ड होने वाला है। ओके फाइनली आई थिंक डन। यस 10,000 ड्रिपस्टोन लगा दिए मैंने भाई फाइनली। तो अभी बस पीएसजीआई को बुलाना है। नहीं, इस मशीन में हर 12 ब्लॉक के बाद एक गैप है, इसका मतलब है कि इतने बड़े रेड जोन में भी कुछ कुछ जगहों पर सेफ जोन है, क्योंकि अगर पीएसजीआई इस गैप में खड़े हुए तो पीएसजीआई आराम से बच सकते हैं। जिस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने इतनी बड़ी मशीन बनाई है, उसी सेम कॉन्सेप्ट को मेरे को इस ब्रीच लाइन में भी फॉलो करना पड़ेगा। अभी आई थिंक सब कुछ डन है और अभी बारी है पीएसजीआई को बुलाने की। इस वाले बटन को मेरे को यहाँ पर लगा के दबाना है, ठीक है? तो अभी मैंने पीएसजीआई को बुलाया है, उनसे कॉल पे चलते हैं पहले। हेलो पीएसजीआई। हेलो भाई, वो स्पॉन पे बुलाया था मैंने, आ जाओ यार। क्यों भाई? छोटा सा वॉइस ओवर चाहिए। तो यही से ले लो ना वॉइस ओवर। वॉइस ओवर मतलब ऐसा गेम में रहते हुए चाहिए। स्पॉन पे हूं मैं तो। स्पॉन पर वहां पर वहां खड़ा हूं मैं, वो बहुत सारी फर्नेस है ना, ब्रिज जो बना है एक नया सा, वहीं पे लेमन के पास खड़ा हूं मैं। मेलन यहां पे तो नहीं है।
क्या किया लैपिस भाई? कुछ जमा नहीं शायद आपको? हैं भाई, आपको पता कैसे लगा कि ऊपर से कुछ आ रहा है? वो व्हाट द हेक? अरे क्या बताऊं यार, मेरा RTX 5090 लैग होने लग गया था। मेरे इतने टाइम की मेहनत सिर्फ एक ब्लॉक ने खराब कर दी थी। और सच बताऊं तो इतनी मेहनत करके मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि मैंने 10,000 ड्रिफ्टस्टोन लगाए और वो जब नीचे गिरेंगे तो ऑब्वियसली बात है गेम लैग होगा। और जैसे ही PSGI का गेम लैग हुआ, उन्होंने देखा चारों तरफ और उनको ड्रिफ्टस्टोन दिख गए। और इसी तरह हमारा ये मास्टर प्लान भी फेल हो गया। इस फेल अटेम्प्ट के बाद मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो चुका हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग इसे लाइक करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन दे सकते हो, ताकि हम लोग PSGI को जल्दी से ट्रैप कर पाए। पर अभी हमारा मास्टर प्लान फेल हुआ है ना, अभी हमारा सुपर मास्टर प्लान बाकी है गाइस। बट देखो, उस सुपर मास्टर प्लान को काम करने के लिए मेरे को जरूरत है 16 के 16 आर्मर ट्रिम्स की। और तुमको तो पता होगा कि माइनक्राफ्ट में ट्रिम्स ढूंढना कितना हार्ड है, तो पहले हम यही काम कर रहे थे, बाकी आगे का प्लान मैं आपको बाद को बताता हूँ। हम लोग स्टार्ट करेंगे नेदर से, क्योंकि नेदर में दो आर्मर ट्रिम मिलेंगी, एक फोर्ट्रेस में और एक बेसिन में। ओके, एटलीस्ट अब ये फोर्ट्रेस लूटा हुआ नहीं होना चाहिए। लूटा हुआ तो नहीं है क्योंकि डायमंड्स है भाई। इस फोर्ट्रेस में इस एक चेस्ट के अलावा कुछ है भी कि नहीं? इस फोर्ट्रेस में तो चेस्ट ही नहीं है भाई, कैसे कैसे फोर्ट्रेस है। ओके, चेस्ट ट्रिप मिला ब्रो, फाइनली ये पता नहीं कौन सा छठा या सातवां मेरा फोर्ट्रेस है, उसमें जाके मुझे फाइनली ट्रिम मिल चुका है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। चलो भाई, फोर्ट्रेस का काम हो चुका है खत्म। तो इसी तरीके से मैंने सारे के सारे ट्रिम्स को कलेक्ट कर लिया था। और अभी बारी है अपने प्लान को बताने की। तो फिर गाइस, आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया। तो अभी आप लोग भी सोच रहे हो कि मैंने इन लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया, मैं तो अपना प्लान बता रहा था। तो मेरा प्लान ऐसा है कि मेरे को करना है PSGI को ट्रैप, और अगर इस बार मैं PSGI को ट्रैप करने में फेल होता हूँ तो फिर ये खुद को दिया हुआ चैलेंज मैं खुद से ही हार जाऊंगा, क्योंकि इसके बाद मेरे पास PSGI को ट्रैप करने के लिए एक भी आइडिया नहीं है। तो इसलिए मैं एक ऐसा ट्रैप चूज करता हूँ जहाँ पर मैंने पहले भी डेड डेस्ट प्लेयर को मारा हुआ है, और वहाँ जाने के बाद बंदा क्रिएटिव में भी मर जाता है, PSGI तो फिर भी सर्वाइवल में। मैं बात कर रहा हूँ वॉइड की। मैंने बनाया लापता SMP के स्पॉन के नीचे एक पार्कोर। वो पार्कोर सभी SMP मेंबर्स के लिए नॉर्मल पार्कोर है, बट PSGI के लिए नहीं। तो देखो, पार्कोर का ये सेकंड लास्ट स्टेज है ना, आप लोग देखोगे यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ नॉर्मल लगेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, है ना। बट अगर यहाँ पर दिए हुए ये कुछ लीवर से साथ अगर मैं खेलता हूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा गाइस, ये देखो। यस, यहाँ पर एक वॉइड ट्रैप प्रकट हो जाएगा पूरा, एंड वापस जाकर मैं इसको पूरे को नॉर्मल भी कर सकता हूँ। एंड अभी आप लोग देखोगे तो आप लोगों को वहाँ पर कोई ट्रैप नहीं दिखेगा, एकदम सब कुछ नॉर्मल। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ये ट्रैप सिर्फ PSGI के लिए है, क्योंकि अगर मैंने पूरे SMP को ट्रैप किया तो उसके बाद मेरा क्या हाल होगा आप लोग सोच ही सकते हो। अभी चलते हैं अपने प्लान की तरफ। तो आप लोग सामने देख पा रहे होंगे एक पार्कोर बना हुआ है, तो बड़ा ही सिंपल सा पार्कोर है। जो इसे पार करेगा उसको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेंगे लापता SMP में 16 के 16 आर्मर ट्रिम्स, क्योंकि देखो लापता SMP में सिर्फ चट्टियां के पास आर्मर ट्रिम्स है और किसी के पास भी नहीं है। तो आप लोग जीत सकते हो 16 के 16 आर्मर ट्रिम, वो भी एक सिंपल सा पार्क और क्रॉस करके। पर गाइस, मैंने इतना मेहनत की है तो मुझे भी कुछ दे दो। तो मैं ऐसा कोई फीस नहीं रखा, जिसके पास जो भी है अपने आप दान देकर चले जाओ, फिर आप लोग उसमें पार्टिसिपेट ले सकते हो। यहाँ पे दिल टूटा हुआ नहीं आता क्या भाई? ठीक है, नेदर IT दे दिया भाई। आप समझ जाओगे लैपिस भाई, इस बार आप समझ जाओगे। सिंपल सा पार्कोर है, जो जो इसे क्रॉस करके एंड में जो पहुंचेगा, तो वहाँ पर मेरा एक कुत्ता रखा हुआ है जिसका नाम कुछ भी तो है, तो जो उसे मारेगा, जिसका मारते हुए नाम आएगा, वो जीत जाएगा 16 का 16 आर्मर ट्रिम्स। 3, 2, 1 स्टार्ट। सामने ठीक है, ओके कोई तो बताओ क्या सेनपाई सबसे पहले क्रॉस करते हुए? ओ, ये क्या कर रहे हो गेम में? हेलो केप्स, हेलो व्हाट? अरे क्या किया मैंने? पहुंच गया भाइयों। सभी लोग धीमे धीमे करके पार्कोर को क्रॉस करते जा रहे थे, और अभी वो टाइम आ चुका था जिसका हम सबको इंतजार था। ओके भाई, PSGI सेकंड नंबर पर है और सेनपाई जा चुका है सबसे आगे। भाई पता नहीं कहां तक पहुंच गया, मैं बहुत आगे हूं भाई। ओके, सब लोग अभी सेकंड नंबर पर है भाई। यस भाई, यस जाओ भाई। किसने गिरा दिया? कौन गिरा रहा है भाई? आपके इवेंट में पूरी लापता SMP आई, लेकिन एक बंदा नहीं आया, DOP। DOP जो कि चड्डी गैंग का एक मेंबर है, जो कि PSGI का स्टेटस चैम्बर संभाल रहा था, क्योंकि PSGI को पहले से पता था कि यहाँ पे ट्रैप है। आई डोंट नो, बट मेरे को जितना लगता है कि उनको सख्त तो जरूर था कि यहाँ पे कोई ट्रैप होगा, इसलिए वो स्टेटस चैम्बर पहले ही सेट करके आए थे। मैंने पता नहीं यहाँ पे PSGI को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर दिया कि वो मेरे इवेंट पे आएंगे, वो भी बिना किसी प्रिपरेशन के। क्या यार, मैं खुद से ही अपना चैलेंज हार गया।
तो PhD भाई, मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया, आपने भी देखा हो कि मैंने आपको पिछले 2-3 हफ्तों से बहुत बार ट्रैप करने की कोशिश की है और आपने हर एक ट्रैप को बहुत ही होशियारी से एस्केप कर लिया। और अभी मेरे पास आपको ट्रैप करने के लिए एक भी ट्रैप नहीं है, मतलब मैं नहीं कर सकता आपको ट्रैप। क्या कर रहे हो भाई? हेलो, क्या हाल है हाफिज भाई? यही हरकत बची थी आखिरी आपकी, बस यही करना बचा था। कितने आपने ट्रैप्स ट्राई किए मेरे पे लैपिस भाई, और फिर भी ये फालतू ये करना बचा ही था। आपको समझ नहीं ना कि नहीं कर सकते आप मेरे को ट्रैप, नहीं है आपके बस की वो बात। लैपिस भाई, कब समझोगे आप? आप नहीं समझोगे PhD भाई। वो! यहाँ पर मैंने PhD को सक्सेसफुली मार तो दिया था, पर मैं इसके बाद वापस से PhD के साथ टीम अप कर लेता हूँ, क्योंकि यार हम लोग चड्डी गैंग है यार, हम लोगों को कोई नहीं तोड़ सकता, इतना आसान थोड़ी हमारी गैंग को तोड़ना। पर तभी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है कि निज गेमर मेरे को एक गेम शो में बुलाते हैं और जो ड्रैगन एग को मैंने होल्ड कर रखा था इतने टाइम से, उसको मैं हार जाता हूँ। इस चीज का पता लगने के बाद PhD मेरे से बोलते हैं, अबे एक ड्रैगन एग नहीं संभाला गया क्या? चड्डी गैंग के बिना कुछ नहीं कर सकते क्या? और इसके बाद मेरी सटक गई और मैं चला गया सीधा निज गेमर के पास। निज भाई, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो अंडा वापस कर दो जल्दी से। यस भाई, अभी क्या, अभी मेरे अंडा ही तो मेरी जान है भाई। लेकिन चलो, फिर भी तुम लोगों को चाहिए ड्रैगन एग, तो एक छोटा सा फेवर करता हूँ कि सीक्रेट बेस में तुम्हारा ड्रैगन एग लेके आ जाओ। किसके सीक्रेट बेस में? हमारे की आपके? मेरे भाई, और किसके, तुम्हारे में क्यों रोकूंगा? अबे इतना पागल समझाएगा हम लोगों को, जो आप बोलोगे हम मान भी लेंगे। मैं मान नहीं सकता। मत मानो भाई, मैं बोल रहा हूँ ना कि आ जाओ लैपिस भाई, ले लो भाई। चलो भाई, उनके बेस पे हो सकता है ना ड्रैगन एग, फिर ढूंढते हैं उनका बेस, मिल जाएगा। चलो आ जाओ। नहीं है उसके पास, उसके बेस पे नहीं रखा होगा बे, नहीं मेरे को फेंक रहा है भाई वो अरे अरे सुनो PhD, देखो सुनो, अगर नहीं हुआ तो हमारा क्या जा रहा है ढूंढने में, हम बाहर जाए क्या रहा है? और लैपिस है, अगर फिर भी नहीं मिला तो? नहीं मिला तो बाद के देखते हैं ना, पहले ढूंढने का ट्राई तो करते, क्या पता मजाक में सच्ची बोल के चले गए। तो अभी हम लोगों को कैसे भी करके निज गेमर का बेस ढूंढना था। हमारे पास बेस ढूंढने के लिए सिर्फ एक ही चीज थी, नेदर रूफ पर रैंडम पोर्टल्स में जाना। तो हम लोग सिर्फ घूमते जा रहे थे और अलग अलग पोर्टल में घुसते जा रहे थे, और यही करते करते स्टीव को कोई दिखता है। अरे वो निज गेमर है क्या? वही तो गेम में, वही है, एक ही बंदा गेम में। अरे रुको, इनविजो के पीछा करते ना, उनका पीछा करते ना इनविजो के। चलो 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 आज मुझे तार लो ना, पर सारे दिन से क्या बात कर रहा है, सुनाई नहीं देता उसको। हेलो निज गेमिंग 20 भाई, मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा दोस्तों। रुको नहीं, फुटस्टेप का ध्यान रखना। अरे चलो चोमू साले, क्या हुआ साला? ये पर चलो निज गेमर चली गई। ए यहीं पर है, यहीं पर है निज गेमर, यहीं रे। ए अरे आराम से चलना, पोर्टल वो दिख जाएंगे। इधर एक पोर्टल है, इधर पोर्टल है, एक पोर्टल है, एक और बेस मिल गया शायद, बेस है इधर गाइस। माइनक्राफ्ट है भाई, एक चांस था उसने भी खो दिया निज गेमर को। अरे इधर है एक बेस है छोटा सा, छोटा सा बेस आ रहा है। तो क्या पता ड्रैगन के लिए कितना टाइम लगेगा, एक ब्लॉक तो लगेगा रखने के लिए। किधर सब्सक्राइब टू लैपिस लाइव, यहां पे लिखा है भाई मेरा 10,000 का पिंग आ रहा है। हां ऐसा लिखा है यहां पे, देखो। अबे एक सेकंड, ये जगह तो, अबे ये तो दीप भाई का बेस है। अरे निज गेमर इधर, तो निज गेमर है गाइस, उन्होंने मुझे देख लिया। देख लिया क्या? लॉल, मारो मत, रुक जाओ। हेलो भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? बड़े दूर से देख रहा था मैं तो। क्या बोल रहे हो भाई? मैं देख रहा था पोर्टल में लेके जाऊंगा, आए नहीं भाई तुम लोग। हमको ड्रैगन एग चाहिए भाई, देता मेरे पीछे जा रहा, कहीं पे आगूंगा। बेस पे बोला था ना भाई आपने, वो तो मजाक कर रहा था मैं। क्या मजाक भाई, ये गलत है भाई, ये एक फीलिंग वैसे भी नहीं मिलने वाला लैपिस भाई, फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। छोड़ो भाई, हमें अपने मिशन पर लगे रहना चाहिए। अब मैं नहीं ढूंढ रहा ड्रैगन एग, मैं जा रहा हूँ यार। हाँ भाई मेरे को भी नहीं करना, मैं भी जा रहा हूँ। इन दोनों ने मेरा साथ तो यहीं पर छोड़ दिया, पर मुझे ड्रैगन एग किसी भी हालत में चाहिए। बेस तो मुझे मिलने नहीं वाला, और ड्रैगन एग लेने के मेरे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट, मैं निज गेमर की कोई ऐसी चीज ले लूँ जिसके बदले वो ड्रैगन एग देने के लिए मजबूर हो जाए। और सेकंड, पहले एक बार इसे ट्राई कर ले, अगर ये वर्क नहीं की तो सेकंड बताते हैं फिर। और निज गेमर की इंपॉर्टेंट चीज ढूंढने में मेरी मदद करेगा DOP, तो मैं और DOP लग जाते हैं निज गेमर के पूरे टावर की छानबीन करने में। अरे खाली है, मुझे लगा तोड़ के देख लेते हैं कुछ हो। ए बिल्लो नाम है इसका, बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ था की करेंगी। हाँ क्या यही तो नहीं है उनके दिल के करीब? लगाओ 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 लगाओ, अरे वाह क्या सुंदर है। अबे ये क्या कर रहा है, पहली बार देख रहा है क्या एक्सलोटल भाई? पर इससे काम होगा क्या अपना?
हाँ मतलब देखो पेट तो लोग ऐसा रेयर समझते हैं, मतलब हाँ अगर जितना मैंने देखा तो हो सकता है इससे काम। हेलो 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 यस, अगर आप मुझे ड्रैगन एग नहीं दोगे तो मैं इसे मार दूंगा। मार दो डीओपी को। अरे इसे अच्छा, हाथ में अरे बिल्लो भाई, ये आपकी बिल्लो भाई, ये देखो बिल्लो, बिल्लो यहाँ तक की करेगी, बल्ले बल्ले बग यहाँ तक की करेगी, ये क्या है? पकड़ इसको, पकड़ ले भाई, पकड़ ले, बच गया। ये क्या है ये ड्रामा? बिल्लो भाई आपकी बिल्लो आपको टावर से मिली, अगर आपने मेरे को ड्रैगन एग नहीं दिया तो दिल के करीब भाई भूल गए क्या? मार दो। हाँ भाई सच में भूल गया, ऐसा पेट भाई खुद ही पेट बना भाई, नाटक मत करो भाई, मैं मार दूंगा सही में। देखो हम जला देंगे भाई, देख लो भाई जला दूंगा, मार दूंगा मैं, लो ले लिए। ए अरे चौधरी क्या होता, आपकी तो है भाई, आपकी तो है, समझ गया। हाँ भाई, अरे भाई ऐसे ही बस ले रहा हूँ मैं, देख लो। नहीं नहीं लेपिस भाई नहीं प्लीज। यस चलो भाई, भाई ना असली मिस गेमर, ये सुना था क्या भाई आपको? नहीं है भाई ये मेरी, बस भाई हो गया, अब मेरे को हो रहा है खत्म। ओ वाओ खत्म भाई, है भाई किसकी बिल्लो मार दी हमने? वेट मेरी तो नहीं थी, वेट क्या सीजन के शुरू में बनाई थी भाई, भूल गया उसे साले, तब से टाइम पास करा रहा है इधर। ये प्लान तो वर्क नहीं करा, बढ़ते अपने सेकंड प्लान की तरफ, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, सीधा करके दिखाऊंगा, बट उससे पहले हमें निस्केवर को फिर से वीसी बुलाना पड़ेगा। अभी टाइम पास मत करो बार बार, 15-15 मिनट बाद तुम वीसी बुलाते हो। हर 15 मिनट में भाई वीसी अजक चुआ हूँ मैं, वीसी क्या है वीसी में दिया क्या है तुम बहन ने मुझे? भाई भाई मुझे देना नहीं है, मुझे लेना है ड्रैगन एग। ठीक है ठीक है, देखो सुनो निस्केवर, अभी तो आप ड्रैगन एग देख ही जाओगे वीसी से, ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसको देखना आप, ठीक है? ये देखो निस्केवर, अगर आपने मुझे अभी ड्रैगन एग नहीं दिया तो ये मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगा। ये चिंदीगिरी मत करो भाई, सच में पुलिस आ जाएगी, बाप बनी होगा इस बार। मुझे नहीं पता भाई, मैं अभी किसी भी हद तक जाऊंगा, बस मेरे को ड्रैगन एग चाहिए। डाल दो भाई डाल दो, चलो डाल दो। अगर निस्केवर की गर्लफ्रेंड ये वीडियो देख रही है तो देखो आपसे ज्यादा उसको ड्रैगन एग प्यारा है, उसे छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। सच में डाल दूंगा मैं, देख लो वो भी मार दी थी मैंने बिल्लो। लैपिस भाई इसके अलावा कुछ और काम करवाना है तो बताओ भाई। चलो कूपवे का जो पुतला है वो एकदम कोने में बना हुआ है ना, उस पुतले को मेरे को इधर बनाना है जहाँ पे स्टीवी का फूटा था। क्या चिंदीगिरी है लैपिस भाई ऐसे? हाँ अरे कुछ चिंदीगिरी नहीं है, बस वो फोड़ दो ना यार, बस फोड़ नहीं तो है, कूपवे का पुतला इधर से फोड़ के इधर बनाना है मेरे को। TNT ये लो मैं देता हूँ ना भाई, नरक में स्पेशल जगह है आपके लिए। अभी आप में से बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज होंगे कि भाई ये सब क्या कर रहा हूँ मैं, ये कोपिया का स्टैचू फुड़वाने से मुझे ड्रैगन एग कैसे मिलेगा? उसके लिए बस तुम वीडियो को ध्यान से देखते जाओ। और मैं कहना चाहूंगा कि जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करना तो फ्री होता है भाई, आप लोगों को पैसे भी नहीं देने होते, तो करो ना सब्सक्राइब। हेलो लैपिस भाई अगेन, किधर हो भाई? देखो इस बार गेम में आने की जरूरत नहीं है, मैं आपको DM कर रहा हूँ कुछ, ठीक है? ठीक है, बस आप वो देख लो, वो क्लिप तो जाएगी नहीं DM पे क्योंकि वो 50 MB से ज्यादा है। गरीब रुको भाई, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा, देखो नहीं इसके बाद, ये जो आपने कल जो कोपी भाई का जो स्टैचू फोड़ा था, ठीक है? इतना मतलब ही दोस्त आज तक मैंने नहीं देखा भाई। अब आप चाहते हो कि आपकी दोस्ती बचे, ठीक है? तो मेरे को चाहिए ड्रैगन एग। लाओ भाई दो। लैपिस भाई क्यों कर रहे हो यार ये फालतू गिरी, छोड़ो भाई, किसी की प्राइवेसी को बीच में ला रहे हो भाई आप, उसके बाद फिर आप बेस्ट फ्रेंड को बीच में ला रहे हो भाई, ये क्या कर रहे हो आप गंदा गेम। मुझे ड्रैगन एग चाहिए और उसके लिए मैं कहीं भी जाऊंगा भाई, मुझे कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। जहाँ जाना जाओ, इतने नीचे मत जाओ। मैं तो गिर चुका हूँ भाई, अब जब मैं आपकी गर्लफ्रेंड पे पहुंच गया ना, बस मैं तभी गिर गया था, अब मुझे चाहिए ड्रैगन एग। ड्रैगन एग नहीं दे सकता भाई, कोपी भाई को बुला लो भाई, अटक गया आपका स्क्रीन तो। हाँ अभी कर रहा हूँ ना, ये देखो पहुंच गया, ठीक है? देखो निस्केमर और आपका स्टैचू। हे क्यों घुस रहे हो मेरे अंदर निस्केमर? वो भी कहाँ से? इतनी बेरहमी से ये काम किया गया भाई, क्यों? सैड भाई, ये देखना ये देखना देखना, अभी ये देखो आपके ही दोस्त ने आपका स्टैचू तोड़ दिया। अरे भाई एक स्टैचू ही तो है, इतना क्यों बना रहे हो, इसी को छोड़ो ना। दिस इज बाबा कॉपी। भाई कॉपी भाई आपके बेस्ट फ्रेंड आपका ही स्टैचू तोड़ा। स्टैचू तो है, क्यों बोल रहे हो? तो है भाई, क्या आ जाओ मेरा तोड़ दो। चलो भाई तोड़ दिया मैंने इसके बार को। चलो लैपिस भाई मेरे को जाना है अभी, मेरी वीडियो 3 महीने से नहीं आई है। हाँ भाई वो तो सबको पता है भाई, मेरी भी 1 महीने से नहीं आई है, मैं भी जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं रुको 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 रुको, गोपी भाई आप मत जाओ, आपसे छोटा सा काम था मेरे को। हाँ बताओ। देखो पिछले 2-3 दिन से ना मैं लगा पड़ा हूँ, मेरे को मेरा ड्रैगन एग मुझे ही वापस चाहिए जो कि स्कैम करके लिया था निस्केमर ने, तो उसमें बस आपकी छोटी सी हेल्प चाहिए। क्या हेल्प भाई, मेरे को नहीं करनी हेल्प विल तुम। अरे रुको तो सही, अरे सुनो 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 सुनो, देखो निस्केमर ने वो एक स्कैम करके लिया था भाई। आप एक स्कैमर के दोस्त हो भाई, स्कैमर के दोस्त के हम दोनों मिलके किए थे साथ साथ। अबे यार नहीं 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 देखो देखो देखो, आपसे करवाया गया था, आपने किया नहीं था।
देखो हम तो कितने पुराने दोस्त हैं, जैसे कि आपने चीटिंग की नहीं थी, एक्सरे नहीं किया था आपने, मैंने करवाया था। हाँ वैसे इन दिस गेम ने स्कैम करवाया, तो आप स्कैमर के दोस्त हो, एक स्कैमर के दोस्त मत रहो। देखो भाई आप इस एसएमपी में जो अपना घर बना रहे थे, सबसे पहले कौन आया था आपका हाथ पकड़ने? मैंने आपको डायमंड आर्मर दिया था। हाँ दिया तो आज मुझे जब आपकी हेल्प की जरूरत है तो आप छोड़ के जा रहे हो। हाँ भाई मेरे पे होना भी तो चाहिए देने के लिए भाई, किसी दू में नहीं दे सकता मैं। अरे रुको, अरे देना नहीं है, बस आपको मेरी एक हेल्प करनी है, छोटी सी हेल्प एकदम। बस मेरे को उनको बैंड की सिचुएशन पर लेके जाना है, उसके बाद दो ऑप्शन रखने हैं कि ड्रैगन एग दे दो या जिंदा बच्चा। तो फिर तो सिंपल सी बात है, ड्रैगन एग दे देंगे, है ना। तो बस मेरे को उस सिचुएशन पर लेके जाना है, बस बैन नहीं करूंगा मैं। अगर उन्होंने एंड में ऐसा बोल दिया ना, जाओ मुझे ड्रैगन एग नहीं देना, मार दो मुझे, तो बैन नहीं करूंगा उनको। बट मेरे को बता क्यों रहे हो सब भाई, जाके करो फिर। बस मेरे को ये बता दो कि न्यूज़ गेमर का बेस किधर है। बस चलो 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 मैं लेकर चलता हूँ फिर आपको। पहुंच के भाई ये बेस पे क्या? यस ये भाई। ओ इतना पास है क्या भाई न्यूज़ गेमर का बेस? होपफुली आप लोगों को सारी चीजें समझ आ रही होंगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग को मिल चुका है न्यूज़ गेमर का बैड रिस्पॉन, तो अब बस हम लोग को एक बार न्यूज़ गेमर को कैसे भी करके मारना है। उसके बाद हम लोग बहुत सारे प्लान्स को बनाते हैं कैसे न्यूज़ गेमर को मारना है। उसके बहुत देर बाद हम लोग एक ट्रैप को डिसाइड करते हैं, जिसमें कि अगर हम एंड में जाते हैं तो जिस प्लेस पे हम लोग स्पॉन होते हैं वहाँ के अराउंड के कुछ ब्लॉक गायब होते हैं, और उन ब्लॉक के ऊपर अगर हम लोग माइनकार्ट रखें तो जैसे ही कोई बंदा एंड में जाएगा वो ब्लॉक गायब होंगे, माइनकार्ट नीचे गिरेंगे और बंदा मर जाएगा। तो फिर क्या था, हम इस ट्रैप को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यूपी भाई ट्रैप पूरा एकदम रेडी हो चुका है, बस पीएसडी भाई कैसे भी करके निज गेमर को इधर लेके आ जाए एंड में। तो बुलाओ ना पीएसडी भाई को। हेलो पीएसडी भाई। हेलो हेलो। अरे मेरा एक छोटा सा काम कर दो, अर्जेंट एकदम। क्या क्या काम है? देखो निज गेमर को एंड में लेके आना है, बस इतना सा। क्यों भाई ऐसा क्या हो गया? बस आप गेम में रहना ठीक है, और देखते रहना क्या होगा। ठीक है बुला रहा हूं, रुको। A few moments later. हेलो हेलो लविस भाई। हाँ बोलो। हाँ निज गेमर आने वाला है, मैंने उसको बुला लिया है, ठीक है रेडी रहना। भाई क्या नेक्स्ट लेवल झूठे बोलने पड़े मुझे। कोई बात नहीं, आप गेम में रहो और बस देखते रहो। ठीक है हूँ, देखता हूँ। ये आ गए निज गेमर। मरे वेट 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 वेट। तेरे पास आए? नहीं है नहीं है, अबे यहाँ पे नहीं है। तो अबे सच बता पागल वागल तो नहीं है? रुको 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 मैं देखता हूँ। अरे बिल्कुल नहीं जान दूंगा भाई, सामने खत्म है। हेलो मिस गेमर। यस्टी भाई अच्छा स्वागत किया भाई आपने मेरे साथ। अरे 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 आज हमको वो चीज मिलने वाली है जिसको आप छोड़ कर भाग के ऊपर। अच्छा अरे भाई तूने पोर्टल तोड़ दिया नीचे वाला। सही करा पर हम ऊपर आ गए भाई, हमको नीचे जाना पड़ेगा, नीचे आओ। अरे वो मुझे दिख गए पीएचडी भाई, ये आ गए भाई, लेट्स गो। हेलो निज गेमर। हेलो हेलो चोटी गैंग। हमको बस एक सिंपल सा क्वेश्चन जो कि आपको पता ही है, इस बेस में ही है। खाओ मां कसम। इंपोर्ट मत करो भाई, अभी भी मैं सच बोल रहा हूं और अभी एक और सच बोल रहा हूं, आप मुझे नहीं मार पाओगे कोई भी। ओके मार तो तुम लोगों ने लिया लेकिन बैन नहीं कर सकते हो। अच्छा भाई ठीक है, अनकस्टमाइज मत करो यार भाई, फिर से आओ भाई, ढूंढ लो भाई, दो मिनट भी लगेंगे ढूंढ लो। देखो अब मुझे कुछ टाइम पास नहीं करना, अब मैं इतना बड़ा आदमी होकर अपने हाथों में निज गेमर को करके अब मैं ढूंढना नहीं चाहता कोई चीज। ओके लैपिस भाई निकालो मेरे को, मैं बताता हूं कहां पे। ठीक है भाई, कोट कोट। देखो हम सबसे पहले फर्नेस को तोड़ेंगे भाई। देखो भागने का मत सोचो, ऑमलेट बनाने को रखा था, इधर गया भाई, इधर पे ही था। इधर ही है क्या? दूसरा भी तोड़ो, बस यहीं पे तोड़ो। वो अरे कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ले लिया मैंने, ले लिया भाई। है क्या इसमें? है क्या? ओह लेट्स गो ड्रैगन है। मैंने क्या बोला था लेट्स गो, बेस में है भाई। पर आपने ऐसी इसी जगह पे क्यों रखा था ड्रैगन है? कोई भी ढूंढ लेता। नहीं क्यों ढूंढता, क्योंकि मैं सबको बताता फिरता हूँ कि मेरे बेस में तो विश्वास ही नहीं करता कोई, बेस में कौन ही रखेगा। आपका भी कुछ काम नहीं है तो कोई काम निपटा ही देते हैं, मतलब क्या किया जाए मतलब निस भाई का। ओ मैंने देखो मैंने दो सच बातें बोली आज, ठीक है। पहली सच बात कि ड्रैगन एग बेस में, और दूसरी सच बात कि आप मुझे बैन नहीं कर सकते। अबे कुछ भी बोल रहे हो, मतलब सच बोल रहा हूं ब्रो। गोपी भाई, गोपी भाई। तो अभी तो हमने इस ड्रैगन एग को बचा लिया था, अबे कितनी बार बचाऊंगा यार इस वीडियो में, तो ड्रैगन एग ही बचाया जा रहा हूँ बस। और यही ड्रैगन एग आगे जाके लापता एसएमपी में वॉर का कारण बनता है। ये लो लैपिस भाई, अब ये ड्रैगन एग की जिम्मेदारी आपकी है, और जो मैंने किया वही आपको इस ड्रैगन एग के साथ करना है, क्योंकि अब कोई भी हाल में इसको प्रोटेक्ट करना है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे इस ड्रैगन एग में ऐसा क्या है जो इसको इतना सेफ रखना है, तो मैं तुम लोगों को बता दूं, अगर तुम इस सर्वर में कभी भी बैन होते हो तो तुम सिर्फ इस ड्रैगन एग की हेल्प से वापस आ सकते हो। और हम इस ड्रैगन एग को एंडर चेस्ट में भी नहीं रख सकते, क्योंकि ओनर ने कहा है। गाइस ड्रैगन एग के लिए एक न्यू रूल है, आप उसे किसी भी चेस्ट में नहीं रख सकते, किसी भी
एंडर चेस्ट में नहीं रख सकते, अपने इन्वेंटरी में रख सकते हो या फिर कहीं पे प्लेस कर सकते हो। इसीलिए ना चाहते हुए भी ये ड्रैगन एग मेरे को अपनी इन्वेंटरी में रखना होगा। तो गाइस नेदरराइट अनलॉक हो चुका है अपनी लापता एसएमपी में, तो हमको अभी अपग्रेड की जरूरत है। हम चारों के चारों डायमंड पे घूम रहे हैं अभी भी। अभी हम लोगों को जाना पड़ेगा नेदर ताकि हम लोग माइनिंग कर सके। चलो फटाफट से नेदर आ जाओ गाइस। भाई पूरा नेदर खत्म कर देंगे भाई। अबे भूल गए क्या तुम लोग, वो सीक्रेट एडवांस हिडन सीक्रेट चेंबर बेस पे ही तो हमारे सारे नेदरराइट था। अबे हाँ, अबे वो तो भूल ही गए थे। शिट क्या भाई आप क्या माइंड माइंड कर गया हो। अरे भाई मुझे थोड़ी पता था भाई, अबे आप अभी 6-7 घंटे पूरी मजदूरी करवाते हमसे, ठीक है। सॉरी, अबे ये क्या, एक सेकंड रुक, फाइंड द वर्ल्ड अबे नकली होगा, छोड़ो बे। मैं तोड़ू? अरे भाई कितना, एक भाई उसी वक्त लग जाता है, तो वही तो बात है भाई, तुरंत लगा देता है वो। मैंने एक तोड़ लिया, मैंने तोड़ दिया। अरे बेटा एक नेदरराइट तोड़ दिया मैंने। नेदरराइट ब्लॉक नहीं तोड़ने थे हमको, पहले इसको मारना था ताकि सब ले जाए हम। मार दिया खत्म। चलो मेरे से देखो, मेरे पे 4 ब्लॉक हो गए अभी से। आप मेरे पे 2 है। हेलो पीएसआई, कितने आपके पास? भाई मेरे पास तो 5 है। अबे वहां पर कोई है, रुक जाओ। नीचे क्या, कौन है? फाइनॉक्स भाई, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? स्पॉन पे तुमने पोस्टर नहीं देखे वोल्ट के? हाँ देखे थे, मतलब हम सब ने देखे थे। मेरे को एक हिंट मिली है जो कि यहाँ पे टारगेट कर रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। भाई वो तुमने रियल मान लिया क्या भाई? वो किस एंगल से रियल लग रहे तुमको वो पोस्टर? भाई वो रियल है, उसमें सब खजाना वजाना सब बना हुआ है। भाई कुछ भी बोल रहे है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता रियल में। तुमको ढूंढना है ढूंढो, मेरे को मत रोको, मैं जा रहा ढूंढने। भाई मुक्का मार के भाग जा रहा। भाई ढूंढने दो इसको, अगर अगर गलती से निकल गया तो इसको पेल के ले लेंगे हम लोग। तो हमारा जो बेस था वो ग्रीफ हो चुका था, इसलिए चड्डी गैंग के लिए मैं एक नया बेस बनाता हूँ। तो गाइस अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मेरे पिछले 3 दिन की मेहनत जो मैंने अपने चड्डी गैंग के नए बेस को बनाने में लगाई है, ठीक है। और वो एकदम सीक्रेट बेस है। ऐसा क्या सीक्रेट बेस है भाई, 1000 ब्लॉक तो दूर आए हम लोग नेदर पोर्टल से जाके। भाई हर एक बंदा ऐसा ही करता है, इसमें क्या है? ऐसा नहीं है ना भाई, वही तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इस पोर्टल में घुसवा जाओ, आपको दूर दूर तक देख के भी लगता है कि आस पास बेस होगा। हो सकता है, आप यहाँ पे लेके आओ। अबे तुझे ग्रुप में बुलाया किसने, मुझे ये तो बता, दिमाग खराब। चलो गाइस अब मैं आप लोगों को अपने बेस की शानदार एंट्री दिखाना चाहूंगा, ठीक है। अभी आप लोगों को यहाँ पर कोई भी बेस नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, और कोई बटन भी नहीं दिख रहा होगा कहीं बेस में जाने के लिए। ये पेड़ बड़ा सस्पिशियस है भाई। पेड़ सस लग रहा है? जाओ भाई पेड़ पे देख लो, जाओ देख लो भाई, पेड़ पे कुछ भी नहीं है, कुछ एकदम नेचुरल पेड़ है भाई, एकदम ऐसा इजी एंट्री है। तुमको इधर खड़ा होना है, ठीक है, इधर इस जगह पे, और यहाँ खड़े होके और बो लगानी है। अरे हटो भाई घोड़े, तुमको ऐसा सी से जूम करना है और जो सामने पेड़ है उससे सबसे ऊपर वाले कोने पे एम करते हुए एक एरो चलाना है। ये चलाया मैंने एरो, ठीक है, एंड मैजिक। अरे अरे दोबारा करो, मेरे घोड़े पे चढ़ेगा भाई, डायरेक्ट नीचे गिर गया मैं। ये अपने बेस की एंट्री भाई, और मैं कहीं और मारना चाहूंगा एरो तो कुछ नहीं होने वाला, कोई एंट्री नहीं खुलेगी भाई जब तक मैं एकदम परफेक्ट जगह पे खड़े होकर और परफेक्ट जगह को देखते हुए एरो शूट नहीं करता, तब तक एंट्री नहीं मिलने वाली मुझे। बचपन से ही टैलेंटेड पैदा हुआ यार मैं। ये देखो पीएचडी भाई, ये अपना बेस कैसा लग रहा भाई आपको? विलेजर ट्रेडिंग हॉल भाई, क्या बेस है भाई, कितना टाइम लगा लैपिस भाई बनाने को, पर ये है किस काम का? ये तो मैंने भी नहीं सोचा ये किस काम का है, पर चड्डी का बेस है तो कुछ तो काम का होगा ही, देखते हैं आगे। भाई डायमंड वायमंड किधर है भाई, अपने खजाना नहीं है क्या अपने? खजाना तो ढूंढना पड़ेगा ना भाई अपने को। ढूंढना पड़ेगा मतलब जो स्पॉन पे पोस्टर्स लगे थे वो खजाने को ढूंढते हैं यार। आपको बोला था ना भाई वो नकली है यार, उसके पीछे क्यों पड़े हो अभी भी? भाई नहीं देखो, अरे भाई फाइनॉक्स पे ढूंढ रहा है, पागल थोड़ी है वो। नहीं भाई मैं नहीं मानता, सबका सब फेक है। अरे देखो पीएचडी भाई, मैंने पिछली बार भी जब हम ड्रैगन एग ढूंढ रहे थे तब मैंने बोला था कि वो ड्रैगन एग निजगेमर के बेस पे ही है, पर तुम लोग सब लोग बोल रहे थे फेक है नहीं है, पर एक्चुअल में कहाँ निकला था वो? बेस पे। एग्जैक्टली। चलो ठीक है, चलो पीएचडी सबसे पहले स्पॉन पे चलते हैं, वहीं से देखेंगे क्या करना आगे के लिए। चलो मैं थोड़ी देर में आया यार खाना खा के। हैं स्टीवी भाई, इनमें से कोई भी इस वॉल्ट को फाइंड करने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा, तो ये काम अब मैं अकेले ही करूंगा। ओके गाइस, तो स्पॉन पे मैं आ चुका हूँ, और अब मेरे को सबसे पहले पोस्टर में देखना है कि एग्जैक्ट लिखा क्या था। यहाँ लिखा फाइंड द वॉल्ट मीट एट 1069 एंड 1096। ये कितना 96 था ना, ये वाला 1096 था, ठीक है, तो मेरे को ये वाला जाना पड़ेगा सबसे पहले। 90 ओ पहुंच गया कि ये क्या कॉल टू कॉपी ओपी कॉर्ड्स के हिसाब से, तो मेरे को बस कॉपी ओपी को कॉल करना है अभी। हेलो कॉपी भाई। हेलो लेपिस भाई, वो जो वर्ल्ड फाइंड वाले पोस्टर पे कोऑर्डिनेट है वहाँ पर लिखा हुआ है कॉल टू कॉपी ओपी, तो आपको कॉल करने को क्यों बोला है भाई? पहले इंड में दूंगा तो मुझे ही कॉल करोगे ना भाई? ओ अच्छा, आपने बनाया क्या ये सब कुछ? हाँ भाई सब कुछ मैंने किया है। तो तुम कहाँ पर हो अभी? मैं साइन बोर्ड पे। अच्छा वहीं पर हो क्या? अरे मैं दूर जा रहा हूँ वहाँ से, लॉल मेरे को दो पहले हिंट। ये लो भाई ये लो, पत्थर दिल और एक ही पेज है बस। हाँ भाई एक ही पेज है। गाइस मैं स्पॉन पे आ ही रहा था और मैंने एक चीज देखी, ये पत्थर दिल का मतलब पता है क्या है? मैं तुमको बताता हूँ, वो एक्चुअली पत्थरों से बना हुआ है
है। इस बुक में पत्थर दिल का मतलब वो दिल है, इसके अंदर ही जाना आई थिंक हमको। या ओ है एक सेकंड, 100 × 100। अब ये क्या है, इससे पहले हम लोगों को बेस पे जाना होगा क्योंकि मेरा पूरा खाना खत्म हो गया है, एंडर पल भी खत्म हो गए। ओके, अपनी लेजेंडरी एंट्री करने के लिए आ चुके हैं दोस्तों बेस पर। तो सबसे पहले हमको मारना है इस पॉइंट पर एंड खुल जा सिम सिम। Yeah, let's go. Okay, चलो खाने का इंतजाम तो यहीं से हो गया, बहुत है इतना खाना। एंडर पल 6 ही एंडर पल है इधर तो। एक सेकंड, मिस्टर लेपिस वीसी ब्रो व्हाट द, ये सब लोग यहाँ कैसे? हेलो गाइस। हेलो लेपिस भाई, कैसे हो तुम सब लोग यहाँ कैसे? वैसे लेपिस भाई, हम वर्ल्ड की हिंट ढूंढ रहे थे लेकिन हमें पता चला है कि ड्रैगन एग आपके पास है, तो क्यों ना हम ड्रैगन एग भी लेके जाए। ड्रैगन एग, तुमको ये तो पता है ना तुम कहाँ खड़े हो? हाँ, हम तो आपकी मौत के पास ही खड़े हैं। तुम मेरी मौत के करीब नहीं, मैं तुम्हारी मौत के करीब खड़ा हुआ हूँ। ब्रो ऊपर आओ, अरे दीव्रो ऊपर आओ, ये पल है ना, खत्म भाई खत्म, चलो आप भाग के जल्दी आओ। अरे ढूंढो यार आसपास ही होंगे, इतने में कहां ही जाएंगे, आप पीछे जाओ गाइस, ऊपर निकलो गाइस, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये पूरा बेस मैंने बनाया था और मुझे पता था कि ड्रैगन एग मेरे पास रहने वाला और सब लोग ड्रैगन एग के पीछे सब पागलों की तरह पड़े हुए हैं, तो मुझे ड्रैगन एग को किसी भी कीमत पर बचाना था, इसलिए मैंने अपने बेस पर बहुत सारे सीक्रेट एग्जिट बना रखे थे। और ये बेस यहीं पर खत्म नहीं होता, इस बेस के चारों तरफ ड्रैगन एग को बचाने के लिए कुछ पॉइंट बने हुए थे, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। अगर मैं ड्रैगन एग को कहीं पर भी डालूंगा तो वो अपने अपोजिट पॉइंट पर निकलेगा। निकलो भाई इधर से, यहाँ से मिलूंगा मैं आपको, बस चलो भाई हो गया मेरा काम जो मेरे को करना था। अब आता हूँ मैं, चलो गाइस मिलता हूँ थोड़ी देर में। हेलो पीएच भाई। हाँ भाई। हेलो, अरे जल्दी जल्दी गेम में आओ और पॉइंट बी पर मैंने ड्रैगन एग फेंका, मतलब वहाँ पहुँचने वाला, जल्दी जाओ ड्रैगन एग के पास, मैं मरने वाला हूँ, मेरे पीछे चार बंदे पड़े हैं। रुको रुको रुको, आ रहा हूँ, गेम लगा रहा हूँ, गेम लगा रहा हूँ जल्दी। अरे भाई गेम खुला हुआ क्यों नहीं रहता तुम्हारा, जल्दी आओ, मैं मर जाऊंगा भाई इनसे पक्का। अभी तक इनको पता नहीं कि मेरे पास ड्रैगन एग है कि नहीं, ठीक है जल्दी आओ बस। उनको एंगेज रखो ठीक है, ड्रैगन एग के पास मैं चले था, आ रहा हूँ मैं दूर लेके जा रहा हूँ उनको, यहाँ से दूर लेके जा रहा हूँ थोड़ा। मेरे पास एंडर पल नहीं है, शिट, एंटर इन द चेस्ट, एंटर चेस्ट, एंटर चेस्ट, एंटर चेस्ट, एंटर पल, इंटरपल 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 इंटरपल। ओके मिल गए, मिल गए, मिल गए, आगे आगे गेम में, चलो गेम में, ओके आ जाओ। ओके नाइस, जल्दी 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 जाओ, जल्दी जाओ, आप पहुंच रहो, पहुंच रहो, बस थोड़ा सा दूर पहुंच रहा हूं। ओके 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 ओके, मैं संभाल रहा हूं इनको थोड़ा थोड़ा। भाई ये लोग चार है भाई पूरे, कैसे मारूंगा मैं इनको? अरे भाई नहीं नहीं नहीं, मैं लड़ नहीं सकता इनसे। नाइस भाई बस 2-3 मिनट संभाल लो, पहुंच ही गया ठीक है। ओके नाइस नाइस, बढ़िया भाई, बस ड्रैगन एग बच जाए ना अपना काम हो जाएगा, ड्रैगन एग इनके पास नहीं जाना कैसे भी करके। बस डिक कर रहा हूं, 2 मिनट पहुंच गए क्या? Let's go, dragon egg, dragon egg, dragon egg. Nice, nice, nice. अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अबे मेरा हेलमेट गया, नहीं। Oh shit, dark भाई। मर गए क्या लैपिस भाई? हाँ भाई, पर मैं स्पॉन पर हूँ, मेरे को जल्दी से स्पॉन पे कोई सामान देने आ जाओ भाई, मेरे पास सामान नहीं है। अरे रुको भाई, उधर ही छुपे रहो, मैं आ रहा हूँ। हेलो लैपिस भाई, कहाँ आगे, क्या आगे, क्या आगे आगे आगे, बताओ कहाँ पे हो? फोन पे हम लोग, फोन पे में। ओए बोरे बोरे, इधर इधर इधर। हेलो भाई, टीवी जल्दी भाई, सामान दो भाई फटाफट, सामान ये लो भाई, जल्दी लो भाई। नाइस नाइस, जल्दी जल्दी एकदम ले लिया। चलो ड्रैगन, ड्रैगन किधर है आपके पास? है ना पीएच भाई? मेरे पास है, दे दो ड्रैगन, दे दो। आपको नहीं दे रहा ड्रैगन? हेलो, क्यों क्यों भाई? भाई आपको एक बार भरोसा कर लिया मैंने, आपने भाई क्या क्या कर दिया उसका, अभी मैं भाई बचाया ना ड्रैगन एग, गवाया थोड़ी है, मेरे साथ ही सेफ है ड्रैगन एग, आई एम सो सॉरी भाई। नहीं अरे एक बार भाई, कहीं नहीं जाएगा ड्रैगन एग, एक मौका दो। और ये डार्क भाई का ना बहुत ज्यादा हो रहा है, इसने मेरे को पहले बैन करने का ट्राई करा ठीक है, अभी हमारे बेस पे भी आ गया और मेरे को मार भी दिया। उसको तो अलग से देखेंगे अपन, पर उसको आप नहीं भाई, देखूंगा मैं, और मेरे को ड्रैगन एग भाई प्लीज दे दो, दे दो, दे दो, भरोसा कर रहा हूँ। ओके नाइस नाइस, वो दूर हो भाई। ओके चलो भाई, ड्रैगन एग मेरे को मिल चुका है। देखो अभी हम लोगों को एक प्रिपरेशन करनी है डार्क को सबक सिखाने की ठीक है, मेरे पास थोड़े बहुत आइडियाज हैं, बस उनको हमें करना है ठीक है। बताओ। ओह माय गॉड ब्रो, हेल नो मैन, डार्क भाई। हेलो, मैंने तुमको इसलिए यहाँ बुलाया क्योंकि मैं काफी दिन से देख रहा हूँ तुमको ठीक है, तुमने एक बार मेरे को बैन करने का ट्राई करा एंड लास्ट टाइम मेरे को मार भी दिया और मेरा बेस भी फोड़ दिया, तुम चाहते क्या हो भाई? मुझे 3 चीज चाहिए, ड्रैगन ही चाहिए, वॉल चाहिए एंड चड्डी गैंग लापता सिंबा से बैन चाहिए। भाई मुझे भी वो बेड चाहिए जिसपे आप ये सपने देख रहे हो। अरे भाई ये सब छोड़ो डार्क भाई, आपने जो मेरे को बैन करने की नाकाम कोशिश की थी और जो लास्ट टाइम ड्रैगन एग के लिए मुझे मारा है, उन सब का बदला आज मैं लूंगा। अरे लैपिस भाई, अब क्या मास्टरमाइंड करने वाली हो? तो ये देखो, द
देख रहे हो पीछे कुछ नहीं होता इससे। मजाक कर रहे हो क्या इतने सारे गेंडी? भाई ये क्या कर रहे हो? आ जाओ डार्क भाई, डार्क भाई यू शॉट एट योर ड्रीम। अब बताते हैं डार्क, आ जाओ भाई केव्स भाई। अरे भाई सर्वर लैग, सर्वर लैग। पेलो गाइस पेलो, छोड़ना नहीं इनको भाई। आज डार्क भाई आपको बताता हूँ मैं, यार आपने गलत टीम ज्वाइन कर लिया यार। गाइस अभी और धमाका होने वाला है। तो अभी मैं बढ़ रहा था अपने सबसे खतरनाक हथियार की ओर। ये मशीन बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें रखे 100 से भी ज्यादा माइनकार्ट्स, और इसका रास्ता एकदम सिंपल है, सामने उस कासल में जाके फटना। तो फिर मैंने इस मशीन को कर दिया एक्टिवेट। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। पेलो गाइस सबको, मैंने अपना मेन काम कर दिया है और थोड़ी देर में अभी बहुत खतरनाक कुछ होने वाला है इधर। क्या होने वाला है भाई? ये डार्क भाई समझ जाएंगे जब उनको पता लगेगा कि गलत टीम से पंगा ले लिया उन्होंने। अरे भाई तुम्हारी टीम के मेंबर्स किधर है भाई? फाइनॉक्स देख रहा हूं। अच्छा भाई क्या ठीक है, पता चलेगा। अब बता दो, चलो भाई गेम्स को मैं देखता हूं। तक जगह पे डार्क फ्रेम, डार्क भाई कहां हो आप? हम तो स्पॉन पे ही है भाई। हां भाई गुड मॉर्निंग भाई। ओ भाई अर्थ गई भाई, अर्थ खत्म। अरे नहीं शिट में नहीं ब्रो, ये मशीन बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें रखे हुए 100 से भी ज्यादा माइनक्राफ्ट्स। ओ दीपू भाई, अरे यार मेरा तो पुराना रिश्ता है भाई। दीपू भाई एक भाई आ जाओ। अरे तो डीओपी है, चलो बढ़िया सब चल। अबे भाई कौन है? बढ़िया इधर आया हूं अभी से। आ जाओ दीपू भाई, आपको ही देख लेता हूं। अरे मेरा स्पेक किधर खत्म हो गया भाई? आ जाओ डीओपी, आ जाओ भाई। अरे दीपू भाई इधर, अरे अरे दीपू भाई क्या लैग हो रहा है भाई? अरे अरे दीपू भाई इधर फोन कर दिए भाई। व्हाट विदर स्पॉन कर रहे हैं लोग? नहीं विदर कौन कर रहा है? लेपिस भाई क्या आपको लगता है कि आप ही एसएमपी डिस्ट्रॉय कर सकते हो? हम नहीं। अरे अरे डार्क भाई पर तुम तो अटके हो भाई, मेरे 15 दिन चल रहा है क्या? अरे नहीं भाई शिट। अरे बहुत विदर है लेपिस भाई, अबे ये केप से भाई सिर्फ खत्म भाई, सिर्फ खत्म। अरे रे भाई कितने स्पॉन करोगे? हेलो रुको भाई, ओए भाई कितने कर रहे हो? तेरे तो टीएनटी भी रिपोर्ट होंगे बैठे भाई। विदर का अरे डार्क भाई मैं विदर मार रहा हूं भाई। भाई आप लोग क्या भाई करो का डिस्ट्रॉय करनी स्टार्ट करिए मेरे को। ये पर नहीं किया भाई, इतने लेपिस को मार के जन का ऐलान कर दिया था। ये ले भाई तुम्हारी विदर खत्म। लो भाई विदर की तो चटनी बना दी भाई तुम्हारे भाई। मेरी जिंदगी का पहला विदर तुम्हारा ही मरा है भाई। भाई डार्क भाई आपकी विदर हमसे डर के छुप गए। डार्क भाई डार्क ने देखा विदर था। थोड़ा लो भाई ने, चलो धोते भाई, चलो भाई विदर से खत्म करो। लड़ रहे भाई बहुत हुआ भाई। लोग रुको तो सेकंड पॉज करो भाई, डार्क वेब को डायलॉग मारना है। रुको पॉज पॉज रुको भाई, डार्क भाई लड़ना है तो हमसे लड़ो ना, विदर को क्यों मार रहे हो? अरे भाई भाई एक खत्म फाइनॉक्स भाई, तो फाइनॉक्स खत्म। ये यो डार्क भाई भाई कैंडिडेट कहां चले गया आप भाई? चलो यार लीडर को खत्म करते हैं अभी। और एसएमपी भी कौन मर गया, कौन मर गया? केप्स केप्स खत्म क्या इसका? लेफ्ट हैंड मर गया। अरे बोले 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 डार्क भाई, देखो हम बीच में नहीं करेंगे लैपिस वर्सेस डार्क वेव। बहुत ही रोमांचक मैच जारी है दोस्तों। डार्क भाई यहाँ से कहीं चल लिए डार्क मैप शायद से आपको भाग रहे हैं फिर से। डार्क भाई लोग क्या जिंदा रह के भी क्या करने आओ, दुश्मन का आर्मर चोरी कर लो। लैपिस भाई देखो आज डार्क वेब को तो आज सबक सिखा दिया और पूरी एसएमपी भी फोड़ दिया आप लोगों ने। मैजिक हाउस बचाया अपना, मैजिक हाउस को कुछ नहीं होता। अरे मैं हाँ ये वॉल्ट फाइंड कर रहा था ना भाई, एक काम करो सुनो सुनो वॉल्ट फाइंड करते हैं हम लोग, चलते हैं अभी आ जाओ। मेरे को लस्सी बने आने में बात मार दो ठीक है भाई? हैं चल डीओपी भाई, हम लोग तो हैं डीओपी भाई। भाई मैं तो इसके लिए लस्सी का टैंकर लेने जा रहा हूँ। चलो पीएस भाई हम दो तो बचे ही हैं भाई, मुझे टैंकर का नजारा देखना है। गजब तू भी आज आदमी। वो जो हिंट वाली बुक थी जब मैं डार्क से मरा था तभी चली गई, पर उस हिंट में लिखा था 100x100 तो मेरे को बस वही याद है। तो 100x100 मेरे हिसाब से कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, ओके 100x100 तो यही वाले कोऑर्डिनेट्स है, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है और ये एसएमपी से इतना पास भी है, तो इसका मतलब है कि वो जो 100x100 है वो नेदर के नहीं भाई, इसके 100 में भी कुछ नहीं, इसका मतलब एंड वाले 100 में कुछ हो सकता है। लो भाई एंड के भी 100x100 में पहुंच गया ऑलमोस्ट, पर यहाँ पर भी कुछ नहीं है। मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ये 100x100 कोई और हिंट है मतलब कि। ओ भाई एक हट लॉल,
भाई उससे गिरा जो याद है मैंने बनाया था एक PhDI को मारने के लिए वो ट्रिप स्टोन वाला मेरी इस वाली वीडियो में भाई उसमें टोटल 10,000 ट्रिप स्टोन थे भाई पूरा गेम लैग हो गया था मैंने ब्रो एक सेकंड 10,000 अबे हाँ एक सेकंड 100x100 तो ये भी था ना इसपे भी तो मैंने 100x100 को वो लगाए थे इधर से 100 ट्रिप स्टोन तो क्या मतलब यही है क्या वो हिंट यहाँ पर एक सेकंड मेरे को चेस्ट फाइंड करनी होगी सबसे पहले कहीं पर देखो नीचे जो ब्लॉक्स है ना इन पे भी चेस्ट हो सकती है इन वालों पे तो मैं वो बाद को देखता हूँ पहले तो ऊपर देख लेता हूँ ऊपर तो कहीं भी चेस्ट नहीं दिख रही है मेरे को अबे एक सेकंड बुक ओ यही है क्या रुको उस साइड वाले पे चलते हैं ये लेते हैं बुक पानी लिया वापस और सेकंड हिंट भी क्रॉस कर ली तब में एक ही पेज होता है स्पाइडर्स फर्स्ट किल मतलब मैं स्पाइडर से मरा वो कहना चाह रहे हैं आप मैं तो मरा ही नहीं शायद स्पाइडर से आज तक ये सेनपाई का फर्स्ट किल मेरे को लगता है सेनपाई का ही हो सकता है क्योंकि सेनपाई स्पाइडर उसी का नाम है ये इतना हार्ड नहीं था ये तो इतना ईजी था सेनपाई से जाके पूछ लेता हूं अभी कि उसने पहली बार बंदे को कहां मारा था हेलो सेनपाई यस लव इज भाई अरे देखो मेरे को ना आपका एक फर्स्ट किल जानना था कब आपने फर्स्ट टाइम एक बंदे को मारा था फर्स्ट टाइम रुको यार अंदर आके बताता हूँ मुझे देखना पड़ेगा ठीक है अरे ये क्या हो गया ओ अरे वॉर हुआ था तो वॉर में सब टूट फूट गया भाई एकदम मतलब हम लोगों ने फोड़ दिया सब बहुत डेंजर थोड़ा यार आओ कहाँ हो आप मैं तो मिड में हूँ मतलब आप किधर हो लेकिन आपको जानना क्यों है कि मैंने फर्स्ट किल कहाँ किया था ऐसा क्यों मतलब एकदम से अरे सर्वर से देखो कुछ पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं कि फाइंड दिस वर्ल्ड जी रहा देखो एक पोस्टर अरे हाँ यार ये फाइंड द वर्ल्ड करके लगे हुए है ना तो मैं इसकी ये मतलब हिंट्स को फॉलो कर रहा था तो अभी एक हिंट आई है मेरे पास जो कि ये स्पाइडर्स फर्स्ट किल करके है इसमें लिखा था ना स्पाइडर्स फर्स्ट किल तो स्पाइडर फर्स्ट किल तो आई थिंक तुम्हारा ही हो सकता है स्पाइडर्स फर्स्ट किल हाँ यार लग तो ऐसी रहा देखना पड़ेगा मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है यहीं पे आसपास ही था को स्पॉन के आसपास किया था थोड़ा इधर से पार्कोर करके आ जाओ भाई मैं थोड़े दिन इनएक्टिव था क्योंकि मैं दूसरी चीजें कर रहा था भाई इतना कुछ हो गया SMP में पता ही नहीं चला मुझे यहाँ पर ये घर बनाया था मैंने ओ अच्छा एग्जैक्टली यहीं पे एग्जैक्टली सही जगह है तो जितना याद है मुझे लैपिस भाई मेरा पहला किल मैंने ना एक ऑब्सीडियन बॉक्स में कुछ तो किया था देख लो अब आप यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है चेस्टों में मतलब अच्छा यही ऑब्सीडियन का बना हुआ था क्या देखो लैपिस भाई पहला किल का तो मैं नहीं कह सकता बट अभी का किल ऑब्सीडियन बॉक्स में जरूर होने वाला है भले ही मुझे ये नहीं पता SMP में क्या चल रहा है बट मुझे इतना पता है कि ड्रैगन अगर तुम्हारे पास है जो कि अब मुझे चाहिए लापिस भाई शुरू करें खेल तुम मुझे मारने के लिए लेके आए हो यहाँ पर तक तो काफी ऑब्वियस हो चुका है नहीं हुआ है तो बता देता हूँ यस मारने के लिए आया हूँ बट इतनी आसानी से तो नहीं यार अरे यार नहीं अरे यार अभी तो यार लड़ाई शुरू हुई थोड़ा तो फाइट करो आ जाओ मैंने कब बना के आ जाओ अरे भाई अगर मेरी इन्वेंटरी में ड्रैगन एग नहीं होता ना तो मैं जरूर करता बट सॉरी सेनपाई बट मेरे को जाना होगा तो इस सीन के बाद मुझे ये तो समझ आ चुका था कि सब लोग ड्रैगन एग के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं मतलब लोग हेल्प के बहाने भी मेरे से ड्रैगन एग निकलवाना चाहते हैं इसीलिए मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता मुझे बहुत ही ध्यान से खेलना होगा क्योंकि ड्रैगन एग मैं किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता तो अभी मेरे को ढूंढना है सेनपाई का फर्स्ट किल कि उसने किसको मारा था देखो मेरे पास एक तरीका है उसके फर्स्ट डे पे एक स्ट्रीम की थी एंड उसने वो वाली स्ट्रीम जल्दी भी एंड कर दी थी तो पता नहीं उसमें किल हुआ था कि नहीं पर एक बार देख सकते हैं हम लोग अभी तक सेनपाई के 10 दिल है इसका मतलब उसने किसी को भी नहीं मारा जब इसके 11 दिल हो जाएंगे इसका मतलब उसने मार दिया ओके 11 हुए उसका मतलब उसने पूरी स्ट्रीम में एक ही किल करा था 10 ओ ये रहा ना स्टीवी ओ एक मिनट मिल गया तो क्या तुम अपने पूरे अभी मार दिया यही है इसका फर्स्ट किल पर ये जगह कहां पर है ये जगह रुको ये जगह ट्रैक करनी पड़ेगी भाई शिट कहाँ पर है जगह ये तो लापता SMP का स्पॉन है अभी का ये लापता SMP का स्पॉन है वो कोऑर्डिनेट नॉट ट्रैक्स के कोऑर्डिनेट आए इधर ही साइड ओ यही तो जगह थी रुको मेरे को नीचे माइंड करके देखना पड़ेगा या फिर ऊपर है ओ चेस्ट ओ नाइस मिल गई क्या यही है क्या रुको जू और नेक्स्ट पेज कुछ भी नहीं है बस एक ही पेज है जू भाई जू तो एक ही था सर्वर में जो कि DOP का जू था और उसका जाने का रास्ता ये झोपड़ी है इतना इजी क्यों बनाया है सब चीजें ओके पहुंच तो चुका हूँ मैं इसके और अभी मेरे को यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा कि इसके जू में क्या है जिससे हम आगे जा सकते हैं ठीक है और मेरे को ये भी नहीं पता भाई हिंट कितनी है भैंस की टांग एक तो गुस्सा दिलाते भाई ओ बटन ये क्या एक सेकंड ये काम का है क्या ये तो फालतू है लॉल यहाँ कुछ था ही नहीं मेरे को लगा भाई मिल गया इतनी जल्दी विलेज चेस्ट चेक करते हैं खाली है साइन बोर्ड पे क्या है ओ एरो एक सेकंड भाई मिल गया क्या तो भाई मेरे को इससे नीचे जाना है और यहाँ पर ही मेरे को मिलेगा भाई ये क्या हुआ मेरे साथ लॉल तो ये है वो बस इतना ही ओ माइनिंग फट क्या इसे भी नहीं चोरी कर सकते क्या इसके लिए माइनिंग फटिक लगाया गया भाई ये तो मैं ले जाना भी नहीं चाहता छोड़ो इससे ज्यादा मेरे पास है ऑलरेडी ड्रैगन एग टक्की इधर ड्रैगन एग डालूंगा तो क्या होगा फुल वर्ल्ड अच्छा ये रास्ता है क्या आगे जाने का ड्रैगन एग है और मैं वर्ल्ड को पा सकता हूँ ड्रैगन एग देके इनका ये कहना है और इनको लगता है कि मैं ऐसा करूंगा वाह बड़ा ही बेकार लगता है मतलब धन्यवाद
इजी। ओ भाई इधर पूरा ये बनाया हुआ था। अच्छा डोर था क्या ये 4x4 पूरा? इससे नीचे जाने का? ओके नीचे पानी है और हमें इससे नीचे। अरे फिर से माइनिंग फटेक लग गया और मेरे पास पानी नहीं है अभी। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, हम नीचे जाएंगे। सबसे पहले मैं सेफली जाना चाहता हूँ, मैं डालूंगा एंटर पल क्योंकि मैं मरने का रिस्क नहीं ले सकता दोस्तों। यस ये पानी ले लेते हैं, क्या पता अपने को काम आए। और इससे आगे तो रास्ता ये लीवर से ही है तो दबाते हैं। अबे अबे नहीं ड्रैगन, अबे नहीं। ये तो है अबे केप्स। अरे अरे केप्स ने मार दिया। मतलब एक सेकंड, ये लोग मेरे को स्पॉन किल कर रहे हैं कैसे? मतलब इनको कैसे पता मैं वहां मरूंगा? एक सेकंड के साथ वैसे चलता हूँ। रुको 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 रुको, मारो मत, रुको 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 रुको। तुमको कैसे पता कि मतलब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? लेबिस भाई अभी तक नहीं समझे, ये सारा प्लान हमारा था अच्छा डीएन को बैन करने का। वो पूरा वॉल्ट जो कुछ भी आपको अभी तक मिला था वो सारा फेक था। फाइनेंस भाई ड्रैगन एग तो मिल गया होगा, स्पॉन पे ले आओ जरा। भाई यहाँ तो किसी ने ड्रैगन एग डाला ही नहीं। अबे तो तुमको क्या लगा था मैं वहाँ पर ड्रैगन एग डालूंगा? मिल्क पिया, दरवाजा तोड़ दिया और अभी वो ड्रैगन एग वॉइड में जा चुका है। वॉइड में मतलब समझ रहे हो? ये कैसे नहीं सोचा? जितना भी तुम लोग ड्रैगन एग लेने के लिए किया ना, तुम्हारी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो गई और चड्डी गैंग का कोई मेंबर बैन नहीं हुआ। देखो डाक भाई, हमको एक तो नहीं मिल पाया लेकिन हम एक मेंबर तो बैन मार सकते हैं। नहीं तुम लोग नहीं कर सकते ऐसा। नहीं कर सकते लाभ भाई। मेरे को एक बात और जाननी है कि अगर वो वॉल्ट फेक था, ठीक है, वो सिर्फ चड्डी गैंग को बैन करने के लिए किया था, तो तुम खुद वॉल्ट क्यों ढूंढ रहे थे और फाइनॉक्स क्यों वॉल्ट ढूंढ रहा था मेरे को, मेरे सामने? ये सब तो हमने इसलिए किया था कि वो आपको पूरा ट्रस्ट हो जाए कि वॉल्ट रियल है। स्टार्टिंग में कोबे हिंट देते वो सब भी फेक था, मतलब वो सब कुछ फेक था हर एक चीज। हमें पता था आप उनकी बात पे ट्रस्ट कर लोगे इसलिए हमने उनको भी खरीद लिया था। अबे भाई अबे चिट मार दिया। नहीं 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 नहीं। Yo, my man, what you doing? Hello, PSG भाई, hello. अबे अबे DOP भाई, PSG को बुलाने जल्दी। अबे ओ अबे ओ PSG भाई सो रहे हैं भाई, क्या हो क्या रहा है? अबे मैं बैन हो रहा हूँ लापता से, मैं हंस क्यों रहा हूँ? बैन हो रहा हूँ मैं लापता, मैं आ जल्दी जल्दी लापता मैं जल्दी लापता। कैसे हो रहे हो आप? अरे भाई मैं बहुत बहुत लंबी कहानी में आऊं कहां पे? स्पॉन 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 स्पॉन। देख मैं 10-15 सेकंड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, स्पॉन पे फटाफट जल्दी स्पॉन। भाई मैं दूर हूं बहुत। हैक हैक लगा ना, हैक लगा हैक लगा हैक लगा। ठीक है रुको रुको, आप बस एक काम करो, आप ऐसा ये मत करो। देख मेरे पास सिर्फ 6 हट बचे, लास्ट 6 हट बचे, जल्दी स्पॉन मत करो ना भाई, थोड़ा वो ले लो समय। मैं बस हैक लगा रहा हूं। ठीक है रुक गया, मैं रुक गया। माइनक्राफ्ट लोड हो रहा है मेरा, माइनक्राफ्ट लोडिंग। भाई ये सारे सो रहे हैं बाकी सब लोग। अबे भाई तू ही आना जल्दी जल्दी, हैक लगा के मेरे पास आ फटाफट। करा करा मैंने रिस्पॉन करा रिस्पॉन करा, 5 दिल बचे मेरे पास, जल्दी आ। आपकी बात मत करना रिस्पॉन, ठीक है? अरे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता ना रिस्पॉन। मैं कर दोगे यार, कह दो नहीं भाई, ज्यादा देर तक रिस्पॉन नहीं रोक सकता मैं। 4 हर्ट 4 हर्ट। रुको 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 भाई, डरो मत, मैं बस आ रहा हूं, गेम मैंने ज्वाइन कर लिया है भाई। ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता ना, समझ बात को। मैं रिस्पॉन करा, मेरे पास 3 हर्ट है। देखो मैं दिख रहा हूं कहीं नहीं दिख रहा भाई, कहाँ पर है? मार दिया, ले ले ले, दो वर्ड मेरे पास, दो वर्ड स्टैचू के पीछे हूँ मैं। देखो वहाँ पे डार्क वेब और केव्स दिख रहे होंगे, क्रीपर फार्म है यहाँ पे। अरे ज्यादा पीछे चला गया, उससे थोड़ा आ गया, थोड़ा मतलब इधर साइड आ भाई। हेलो पहुंच गया क्या? हाँ ये रे दोनों दोनों ही हैं। बिठा 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 मेरे को, बिठा मेरे को, बिठा मेरे को, बिठा। अरे यार फ्लाइंग लेवल किक हो गया मैं, पीछे पीछे। अरे आगे कहाँ जा रहे हो भाई? अबे बैठो बैठो जल्दी बैठो, किधर किधर किधर? अब नीचे 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 लगा 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 बैठो 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 भाई। अरे भाई आप मर गए फिर से। अब रुको रुको, घाट है मेरे पास। अरे मैं पीवीपी का हैक लगाता हूं ना, इनसे फाइट करते हैं हम लोग। फाइट कर फाइट कर फाइट कर फाइट कर, ये लोग से कर रहा हूं मैं फाइट। आप रिस्पॉन करके भागने का ट्राई करो, ठीक है? ठीक है मेरे पास एक हट है, ओनली वन चांस, ठीक है ओनली वन चांस। उन दोनों को लूर करके थोड़ा लूर करके थोड़ा पीछे की तरफ लेके जा, ठीक है? दूर लेके जा। मैं केव्स को तो देख रहा हूं, डार्क वेब का मुझे पता नहीं है। थोड़ा सा लूर करके पीछे की तरफ लेके जा। नहीं 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 मैं इन्हें थोड़ा दूर लेके जाता हूं। आ जाओ दोस्तों थोड़ा और। भाई सिर्फ एक चांस है अपने पास, ओनली वन भाई, मरना नहीं है, ठीक है प्लीज। हाँ हाँ ठीक है चल करूँ। करो 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 करो, ठीक है करो। तू एकदम भाग, 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 ठीक है? उनको भाग, पल करने का समय। अरे डार्क वेब पल कर दिया। अबे नहीं रुको भाई, नहीं डार्क भाई, नहीं नहीं रिवाइव कैसे करेंगे फिर दोस्तों? अब लैपिस भाई तो
बैन हो चुके हैं लापता एसएमपी से, पर दिस इज देयर एप्लीकेशन फॉर लॉयल एसएमपी जनरेशन। अरे लैपिस भाई, रात को क्यों कॉल करते हो यार? सोता हूँ यार मैं, 12 बजे कौन कॉल करता है रात को? भाई मैं बैन हो रहा था लापता एसएमपी से। अच्छा मतलब बैन हो रहे थे ना, मतलब बच गए ना? बच जाता अगर डीओपी थोड़ा और पहले आता। डीओपी लेट हुआ, फिर मैं भी लेट हुआ और मैं बैन हो गया। बैन हो गए तो फिर ड्रैगन एग कहाँ पे? ड्रैगन एग वॉइड में, मतलब मैं गिर गया था वॉइड में और ड्रैगन एग के साथ। अबे यार तुमको एक काम दिया था लैपिस भाई, 1000 बार समझाया था कि मत करना यार। आ जाओ गेम में। पर गेम में कैसे, मैं बैन हो चुका हूँ लापता से। आ जाओ भाई, दिमाग मत खराब करो अभी। ठीक है भाई। ब्रो मैं ज्वाइन कर गया हैं? हेलो भाई, चिल्ला कह रहे हो, रिवाइव कर दिया मैंने आपको। पर कैसे, मैं ड्रैगन एग तो जा चुका था ना सर्वर से, मैं तो बैन हो गया था ड्रैगन एग के साथ। इसमें आपको पता है क्या, अगर कोई ऐसी चीज जिसे सब लोग चाहते हो जैसे कि ड्रैगन एग, उसका पता अगर सबको पता हो तो सब लोग क्या करेंगे? उसको लेना चाहेंगे, मतलब उस पते पर जाके। हाँ उसी के पीछे पड़ रहेंगे सब लोग। पर क्या होगा अगर वो पता ही नकली होगा तो? सबका पोपट, वो भी एक साथ। आपका भी? What? क्या भाई, आपके पास नकली वाला एक था भाई, असली वाला मैंने ही रखा था। पहले मैंने आपको असली वाला दिया था, पर जब आप पे पहला अटैक हुआ उसके बाद मेरे को समझ गया कि आप नहीं झेल पाओगे। फिर भी आपके पास रखा, लेकिन आपके सपनों में, पर असलियत में मेरे पास था। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नकली ड्रैगन है, कुछ समझ नहीं आया, तो मैं आप लोगों को बता दूं, पीएचडी भाई ने कुछ टाइम पहले सर्वर में एक रिसोर्स पैक डलवाया था जिससे अगर हम एनविल को एक नाम देते हैं तो वो ड्रैगन एग की तरह दिखता है, और उन्होंने सेकंड टाइम मेरे को वही एनविल दे दी जो कि मैं पूरी वीडियो में लेकर घूम रहा था। चलता हूँ भाई, मैं भी चलता हूँ, मतलब क्या ही पॉइंट है। तो अभी लापता एसएमपी में 2-3 दिन से कोई भी लॉगिन नहीं करा था, और जब मैंने सबसे पूछा कि आप लोग लापता एसएमपी में क्यों नहीं खेल रहे, तो सब लोग बोलते हैं सर्वर में खेलने का क्या फायदा भाई, ड्रैगन एग ही नहीं बचा अब। सर्वर का ड्रैगन एग तो अब वॉइड में चला गया, अब खेलने से क्या ही फायदा? ड्रैगन एग ही नहीं है तो खेलना ही हुआ भाई। या अभी सर्वर में ड्रैगन एग ही नहीं बचा था जिसके लिए सब लोग खेलते थे, तो फिर लापता एसएमपी का सीजन 5 यहीं पे एंड होता है। ऐसे सीजन एंड होगा क्या? रुको भाई, सीजन 5 के लिए कुछ स्पेशल करते हैं। सब लोग रेडियो? सबने अपना एक एक दिल तो कर लिया है ना? यस भाई, अब स्टार्ट भी कर दो। 3-2-1 जंप।